हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑडियोवर्स री ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वर्ल्ड गॉड चैप्टर 1711 टू 1720 जब सिंगुलर दफन अनिच्छा से गिर गया और युद्ध के मैदान पर एक बर्फीले नीले धनुष को गिरा दिया तो आसपास के ब्लैकवाटर सदस्य स्तब्ध रह गए और अथर्व को घूरने लगे एक क्षण पहले सिंगुलर दफनाने में उसके एचपी का एक था फिर भी अथर्व के एक हमले के बाद रेंजर ने अपना सब कुछ खो दिया था अचानक एक चिलिंग सेंसेशन ने के सदस्यों पर हमला किया अगर सिंगुलर बरियल जैसा टियर दो का खिलाड़ी भी अथर्व की एक भी हिट का सामना नहीं कर सका तो यह बिना कहे चला गया कि अथर्व टीयर एक के खिलाड़ियों को भी अपने ब्लेड के आकस्मिक स्विंग से मार सकता है काला लॉ अथर्व को घूरते ही फॉलिंग फायर की अभिव्यक्ति गहरी हो गई उनके युद्ध मानक को ब्लैकवाटर में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी गिल्ड में गिने चुने लोग ही थे जिन्हें उसे स्वीकार करना पड़ा कि वे श्रेष्ठ हैं हालांकि इतने उच्च लड़ाकू मानक होने के बावजूद अथर्व द्वारा सिंगुलर दफन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हमले को बनाए रखने और उसे रोकने में भी वह आश्वस्त नहीं था अथर्व का हमला बहुत तेज था लेकिन यह सिर्फ उसकी उच्च आक्रमण गति के कारण नहीं था एचएस तटस्थ प्रतिक्रिया समय और शारीरिक त्वरण भी हास्यास्पद रूप से तेज थे एक गहरी आह भरने के बाद फॉलिंग फायर ने आज्ञा दी हर कोई पीछे हटो अथर्व के जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन से उनकी टीम के सदस्यों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ था जीरो विंग के सदस्य अब पहले से अधिक जोश और कुशलता से लड़े इसके विपरीत ब्लैकवाटर के सदस्यों का मनोबल गिर गया अब इस युद्ध का परिणाम और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था लड़ाई जारी रखने से ब्लैकवाटर को और अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा फॉलिंग फायर का आदेश सुनकर ब्लैकवाटर के सदस्य तुरंत अपने विरोधियों से दूर हो गए और हर संभव दिशा में भाग गए इस बीच एक रोज और जेंटल्स नोने जीरो विंग के सदस्यों को अपनी जीत का फायदा उठाने का आदेश दिया यह देखते हुए कि ब्लैक के लिए चीजें दक्षिण की ओर चली गई हैं फ्लेम ब्लड ने रुकने की हिम्मत नहीं की उन्होंने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को सक्रिय करने के लिए खुद को पर्याप्त समय खरीदने के लिए बीस ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले इविल डेमन्स को बुलाया इस लड़ाई का परिणाम वास्तव में उनकी अपेक्षाओं से अधिक था उसने सोचा था कि दस ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले इविल दानव कसाई जीरो विंग की सेना के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे लेकिन उसने कभी भी छोटी सेना से इतने राक्षसी खिलाड़ियों की अपेक्षा नहीं की थी जीरो विंग थोड़ा इंतजार करिए देरस बेर मैं तुम्हें इस हार की कीमत चुकाऊंगा फ्लेम ब्लड ने जीरो विंग के सदस्यों को अपने प्रति आरोप लगाते हुए देखकर एक उपहास प्रकट किया वह एक इविल गॉड्स एपोस्टल था गेज मेंबर नहीं जब तक वह कैद से बचता उसके पास हमेशा वापसी करने का मौका होता फ्लेम ब्लड ने अपने बीस ग्रेट लॉर्ड्स को जीरो विंग के सदस्यों को रोकने के लिए भेजा क्योंकि उन्होंने अपने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को सक्रिय किया विल गॉड्स टेंपल को टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल में पन्द्रह सेकंड की सक्रियण प्रक्रिया थी जो सामान्य रिटर्न स्क्रॉल से थोड़ी कम थी बीस महान प्रभुओं की शक्ति के साथ वह आसानी से दूर होने के लिए पर्याप्त समय खरीद सकता था हालांकि जब सातवां सेकंड टिक गया तो फ्लेम ब्लड ने देखा कि उसकी आंख के कोने से धीरे धीरे एक आकृति निकल रही है यह आंकड़ा कोई और नहीं बल्कि अथर्व था फ्लेम ब्लड उसकी बढ़ती चिंता को कम नहीं कर सका क्योंकि उसने अथर्व को पास आते देखा हालांकि 200 गज से अधिक दूरी पर दोनों अलग हो गए लेकिन फ्लेन ब्लाड को ऐसा लगा जैसे ग्रिम रिपर ने खुद ही उस पर अपनी नजरें जमा ली हों और तेज मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना है पहली बार फ्लेन ब्लॉड ने महसूस किया कि टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का सक्रियण समय बहुत लंबा था यद्यपि अथर्व का दृष्टिकोण धीमा दिखाई देता था वास्तव में वह अत्यंत तेज था केवल तीन सेकंड में उसने अपने और फ्लेन ब्लड के बीच की दूरी को आधा कर दिया था यह देखकर फ्लेम ब्लॉड के पास महान भगवान रैंक के छह इविल दानवों को समूह से विभाजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिससे उन्हें अथर्व की उन्नति में बाधा उत्पन्न करने का आदेश मिला हालांकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि महान भगवान रैंक वाले दुष्ट राक्षसों ने किस तरह के हमले किए अथर्व ने उन्हें आसानी से टाल दिया दुष्ट दैत्य अथर्व को जरा भी धीमा नहीं कर सके जब फ्लेम ब्लड के टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल के सक्रिय होने में केवल दो सेकंड बचे थे तब भी अथर्व मौलवी से तीस गज़ की दूरी पर था यह देख फ्लेम ब्लड ने राहत की सांस ली काला लॉ जल्दी या बाद में मैं तुमसे बदला लूंगा अथर्व के पास उनके बीच की दूरी को तब तक पार करने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि वह उसी चाल का उपयोग नहीं कर सकता था जिसे उसने पहले सिंगुलर दफनाने के लिए नियोजित किया था हालांकि फ्लेम ब्लाड के आसपास का क्षेत्र अचानक से अंधेरा हो गया और मैना जो उसके पैरों के नीचे टेलीपोर्टेशन सरणी को खिलाती थी तुरंत जम गई एक क्षण बाद टेलीपोर्टेशन एरे गायब होने लगा नहीं यह कैसे संभव है फ्लेम ब्लाड की आंखों में सदमा और निराशा छा गई जब उसने महसूस किया कि उसका टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल अब कोई विकल्प नहीं था इससे पहले कि फ्लेम ब्लाड प्रतिक्रिया कर पाता अथर्व ने उसका पीछा कर रहे छह महान देवताओं को भगा दिया और मौलवी के सामने पेश हुआ मेरे साथ भी जाओ अपने सामने कपड़े पहने और पट्टी बांधे हुए मौलवी की ओर देखते हुए अथर्व मुस्कुराया और कहा ऐसा होने से पहले आपको दूर होने में सक्षम होना होगा काला लॉन आपकी सेना अब फंस गई है बीस्ट सम्राट की ईबिल बीस्ट सेना से घिरी हुई है यदि तुम मुझे मारते हो तो बीस्ट एम्परर निश्चित रूप से तुम्हें हुक से बाहर नहीं जाने देगा फ्लेम ब्लड फुफकारने लगा जैसे ही उसने अपने सामने मुस्कुराते हुए तलवार बांट को देखा भयभीत होकर उसने जारी रखा यदि आप इस स्थान को जीवित छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपकी एकमात्र आशा हूं फ्लेम ब्लड अच्छी तरह जानता था कि अथर्व क्या करने में सक्षम है आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अथर्व को वेव को छोड़ने और उस आदमी को युद्ध भगवान के मंदिर में भेजने के लिए देखा था अपने और परित्यक्त लहर जैसे बुरे भगवान के प्रेरितों के लिए युद्ध में भगवान के मंदिर को भेजा जाना खेल खत्म हो गया था फ्लेन ब्लाड को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो वह कभी भी आदिकालीन दैवीय खंडहर के लिए एकमात्र दफन का पालन नहीं करता अब जबकि उसे चुप करा दिया गया था अथर्व के चंगुल से बचना व्यावहारिक रूप से असंभव था इस दुर्दशा से बाहर निकलने की उनकी एकमात्र उम्मीद बीस्ट एम्परर की इविल बीस्ट और दानव सेना थी हालांकि जीरो विन के सदस्य बेतु के रूप से मज़बूत थे वे निश्चित रूप से एक लाख से अधिक ईविल बीस्ट्स और ईविल डेम्स के खिलाफ गिरेंगे तथ्य यह है कि ज़ीरो विंग ने ब्लैकवाटर के सदस्यों को इतनी आसानी से मार डाला था कि इस बल के सभी सदस्य गिल्ड के मुख्य सदस्य थे यदि इन मुख्य सदस्यों का सफ़ाया कर दिया गया तो यह जीरो विन के लिए एक बड़ा झटका होगा तुम मेरे ही उम्मीद कर रहे हैं अथर्व हन से बिना नहीं रह सका क्या आप अपने बारे में बहुत अधिक नहीं सोच रहे हैं बीस्ट सम्राट के लिए ईवे गॉड के प्रेरित उसके अपने अंगों की तरह थे उससे लिया गया प्रत्येक एक स्थायी नुकसान था हालांकि चूंकि बीस्ट एम्परर ने जीरो विंग के भाग्य के रास्ते को काटने की हिम्मत की थी इसलिए अथर्व को बीस्ट एम्परर को यह सिखाना पड़ा कि अपने ब्लेड से एक अंग को खोना कैसा लगता है इतना कहकर अथर्व ने एबिसल बिंद को सक्रिय कर दिया और फ्लेम ब्लाड की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया इसके बाद उन्होंने अपने बैग से एक मोबाइल जेल निकाला और उसे सक्रिय करना शुरू कर दिया काला लॉन क्या आप मरने की कोशिश कर रहे हैं मैं पशु सम्राट के दुष्ट परमेश्वर के प्रेरितों में से एक हूं मुझे पकड़ने से बीस एम्परर की जीरो विंग को नष्ट करने की इच्छा ही बढ़ेगी फ्लेन ब्लड ने जब अथर्व को मोबाइल जेल सक्रिय होते देखा तो वह घबरा गया उसने कभी नहीं सोचा था कि अथर्व इतना साहसी होगा यदि उसे युद्ध के देवता के मंदिर में भेजा जाता तो वह वास्तव में समाप्त हो जाता जैसे ही अथर्व फ्लेन ब्लड को मोबाइल जेल में फंसाने वाला था मौलवी के पास एक प्रेत दिखाई दिया इस प्रेत ने शानदार गहरे भूरे रंग के वस्त्रों में एक उदासीन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रूप ले लिया उस आदमी ने एक लकड़ी का डंडा चलाया जिससे उसके दाहिने हाथ में काली धुंधसी आ रही थी और उसके सिर पर एक पिचकाला मुकुट सुशोभित था आदमी ने एक अवर्णनीय राजसी भावना को विकीर्ण किया जानवर सम्राट जब अथर्व ने इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो उसके दिमाग में एक ही शख्स आया वह था बीस्ट एम्परर हालांकि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था क्योंकि उसने वास्तव में बीस्ट एम्परर का असली रूप पहले कभी नहीं देखा था यह सही है मैं जानवर सम्राट हूं यह हमारी दूसरी मुलाक़ात होनी चाहिए बीस्ट सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा मैं तुम्हारे साथ शब्दों की कमी नहीं करूंगा ज्वाला रक्त जारी करें और अपने कब्जे में इविल गॉड्स आई को सौंप दें ऐसा करो और मैं तुम्हारी सेना को ओआरसी साम्राज्य से सुरक्षित निकलने दूंगा मना करो और न तो तुम और न ही तुम्हारे अधीनस्थ साम्राज्य छोड़ेंगे तुम्हारी आत्माएं मेरे दुष्ट दैत्यों के लिए आहार बन जाएंगी जैसे ही बीस्ट एम्परर ने बोलना समाप्त किया रिमोडियल डिवाइन रोइन के खिलाड़ियों ने दूर क्षितिज पर दुष्ट जानवरों और राक्षसों के एक बड़े समूह को देखा एक एनपीसी बुजुर्ग एक विशाल इविल बीस्ट के ऊपर खड़ा था जो तीव्र इविल एनर्जी को विकीर्ण कर रहा था भले ही बूढ़ा व्यक्ति हजारों गज दूर था आदिकालीन दैवीय खंडहर के बाहर हर कोई उसकी भयानक आभा को महसूस कर सकता था मैं स्वीकार करता हूं कि आप काफी शक्तिशाली हैं लेकिन भले ही आप फ्लेन ब्लॉड को मोबाइल जेल में बंद कर दें आप उसके साथ ओआरसी साम्राज्य को छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे जब तक मैं तुम्हें मारता हूं मैं ज्वाला रक्त मुक्त कर सकता हूं मैं आपको अपने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए केवल दस सेकंड का समय दूंगा जानवर सम्राट ने कहा अथर्व को देखते ही उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई एक पौराणिक एनपीसी दूर आकाश में एनपीसी को देखने के बाद अथर्व ने अनुमान लगाया एक फीकी मुस्कान दिखाते हुए उन्होंने कहा अपने माथत की तरह तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो मैं लौका लहू युद्ध के परमेश्वर के मंदिर में भेजूंगा हालांकि अथर्व का स्वर सुस्त था लेकिन आसपास के सभी खिलाड़ी उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प महसूस कर सकते थे पागल कमी ने आप जैसा गिड लीडर कैसे मौजूद हो सकता है जैसे ही फ्लेम ब्लॉड ने अथर्व को देखा उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति चरमरा रही है अथर्व उससे कितनी नफरत करता था अथर्व वास्तव में उसे खत्म करने के लिए एक हजार से अधिक जीरो विंग विशेषज्ञों की बलि देने को तैयार था काला लॉ यह आपका अंतिम मौका है आप माइथिक एनपीसी का मुकाबला नहीं कर सकते क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप अपने जीवन से बच सकते हैं यदि आप उसके हाथों मर जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि जुर्माना स्तर खोने जितना आसान होगा अथर्व का जवाब सुनकर राक्षस सम्राट के चेहरे पर अंधेरा छा गया मेरे धैर्य को चुनौती मत दो अन्यथा मैं तुम्हें यहां दफना दूंगा भले ही मुझे अपना योगदान अंक बर्बाद करना पड़े यदि इविल गॉड्स ए पोस्टल स्लॉट उसके भविष्य के लिए इतना अविश्वसनीय रूप से कीमती नहीं होता और यह तथ्य कि अथर्व के पास दूर होने का एक छोटा सा मौका था तो उसने तलवारबाज पर इतने शब्द बर्बाद नहीं किए होते उसने जीरो विन के सदस्यों का वध करने और उन्हें खा जाने के लिए बस अपने इविल बीस्ट्स और इविल दानवों को भेजा होगा अपने धैर्य को चुनौती दें अथर्व बीस एम्परर पर हंसे बिना नहीं रह सका कितनी बार आपके इविल गॉड्स टेम्पल ने जीरो विन के प्रदेशों को लक्षित किया है यहां तक कि आप मेरे गिल्ड सदस्यों का शिकार करने के लिए भी गए हैं क्या आपने कभी जीरो विंग के धैर्य पर विचार किया है ऐसा कहते हुए अथर्व ने फ्लेम ब्लाड पर अपनी तलवार घुमाई जिससे मौलवी का एचपी गंभीर स्तर पर आ गया इसके बाद उन्होंने मोबाइल जेल को सक्रिय किया और बंधे हुए मौलवी को फंसा लिया आप बीस्ट एम्परर ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए जैसे ही उसने फ्लेम ब्लाड को मोबाइल जेल में गायब होते देखा अचानक दूर क्षितिज पर खड़े ईविल बीस्ट्स और ईविल दानवों ने गगनभेदी गर्जना छोड़ी इसके बाद उन्होंने मौलिक ईश्वरीय खंडहर की ओर आरोप लगाया जब वे एक लाख से अधिक ईविल बीस्ट्स और ईविल डेमोस को अपनी ओर बढ़ते हुए देख रहे थे तो विभिन्न शक्तियों के ऊपरी सोपानों ने उदास अभिव्यक्तियां पहन रखी थीं ये ईविल बीस्ट्स और ईविल डेमन्स सिर्फ यादृच्छिक राक्षसों से बहुत दूर थे उनमें से हर एक का स्तर साठ या उससे अधिक था और उनमें से अधिकांश मुखिया रैंक और उससे ऊपर के थे केवल एक छोटी संख्या संभ्रांत और विशेष संभ्रांत थे इसके अलावा उनमें से आठ माइथिक रैंक के थे 2000 से कम विशेषज्ञों की सेना का उल्लेख नहीं करने के लिए इस तरह की ताकत एक शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी जब ईविल बीस्ट्स एंड एविल डेमंस ने अपना आक्रमण शुरू किया तो एनपीसी के बुजुर्ग ने आकाश में उड़ान भरी और अपने कर्मचारियों को लहराया अचानक भूरे रंग की रोशनी की एक किरण कर्मचारियों से निकलकर बूढ़े आदमी के ऊपर बादलों की ओर चली गई जब प्रकाश की किरण एनपीसी से लगभग एक गज ऊपर थी तो वह फट गई आसमान में धूसर प्रकाश की तरंगे फैलती हैं जो एक बार के नीले दृश्य को धूसर धूसर बना देती हैं ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया में शैतानी शक्ति छा गई हो क्या चल रहा है मैं अपने रिटर्न स्क्रॉल का उपयोग क्यों नहीं कर सकता रुको यह सही नहीं है मैं अपने तात्कालिक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का भी उपयोग नहीं कर सकता क्या वह एनपीसी बहुत शक्तिशाली नहीं है उन्होंने वास्तव में इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है जीरो विंग अब निश्चित रूप से मर चुका है जब उन्होंने एनपीसी एल्डर को खंडहर की ओर उड़ते हुए देखा तो मौलिक दैवीय खंडहर में तमाशबीन शक्तियों को झटका लगा उनसे चुराई गई टेलीपोर्ट की क्षमता के साथ जीरो विंग का इस स्थान से बचने का एकमात्र तरीका अपने स्वयं के दो पैरों पर भरोसा करना था हालांकि एक लाख से अधिक ईविल बीस्ट्स और एविल डेमंड्स की नाकाबंदी को तोड़ना व्यावहारिक रूप से असंभव था विभिन्न प्रमुख शक्तियों के खिलाड़ी भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होने लगे जीरो विंग के सदस्यों की तरह वे अब यहां फंस गए थे और उनका भाग्य अब उनके अपने हाथ में नहीं था यदि बीस्ट सम्राट चाहता था तो वह निश्चित रूप से प्राइमर्डियल डिवाइन रोइन के प्रत्येक खिलाड़ी को मरवा सकता था बिगसिस मेलोडी ब्लैक फ्लेम के दिमाग में क्या चल रहा है वह वास्तव में एक खिलाड़ी को पकड़ने के लिए जीरो विंग के एक हज़ार से अधिक विशेषज्ञों का व्यापार करने को तैयार है क्या वह बीस्ट एम्परर से इतनी नफ़रत करता है पवित्र मंदिर की टीम के बीच खड़ी एक लड़की ने अथर्व को देखते हुए उत्सुकता से पूछा जो जीरो विंग की सेना को रक्षात्मक रूप में व्यवस्थित कर रहा था लड़की के लंबे घुंघराले हल्के नीले बाल और सुडौल लेकिन सुडौल शरीर था उसने एक पन्ना डंडा चलाया और सफ़ेद रेशमी वस्त्र पहने हुए थी हालांकि यह लड़की काफ़ी कमज़ोर और नाज़ुक दिखती थी लेकिन वह वास्तव में इक्यावन के स्तर तक पहुंच गई थी यहां तक कि पवित्र मंदिर में भी उसके स्तर ने उसे गिल्ड में सबसे ऊपर रखा हालांकि उसकी आभा लड़की के स्तर से कहीं अधिक भयावह थी हालांकि उसकी आभा की तीव्रता केवल उसके शक्तिशाली बुनियादी गुणों का परिणाम नहीं थी उसके स्तर और जीवन रेटिंग ने भी योगदान दिया जब पवित्र मंदिर के आसपास के विशेषज्ञों ने इस लड़की को देखा तो उनकी निगाहें विस्मय और श्रद्धा से भर गईं यह लड़की सेक्रेट टेम्पल की नई कौतुक ब्लू जेड थी और उसे गिल्ड लीडर से उच्च प्रशंसा भी मिली थी जिसमें कहा गया था कि उसके पास भविष्य में एक डोमेन को कमांड करने की भी क्षमता है ठीक उसकी प्रतिभा के कारण ब्लू जेड को प्रिमोडियल डिवाइन रूवेन में भेज दिया गया था ताकि वह प्रिमोडियल सिटी में और सुधार कर सके मुझे नहीं पता कि ब्लैक फ्लेम क्या सोच रहा है लेकिन आपको उसकी फाइट्स पर पूरा ध्यान देना चाहिए द सीक्रेट पवेलियन ने ब्लैक फ्लेम को एक डोमेन को समझने वाले सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है उसे देखने से आपको थोड़ी मदद मिलनी चाहिए शांत मेलोडी ने अथर्व को देखते हुए कहा क्या मेरे कल ड्रैगन डोमेन दायरे तक पहुंचने के सबसे करीब का व्यक्ति नहीं है ब्लू जेड ने आश्चर्य से पूछा चमत्कार ड्रैगन पुरानी खबर है विभिन्न महाशक्तियों ने पहले से ही ब्लैक फ्लेम को डोमेन दायरे तक पहुंचने के निकटतम व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है शांत मेलोडी ने धैर्यपूर्वक समझाया ब्लैक फ्लेम ने अब तक जो तकनीकें प्रदर्शित की हैं वे आश्चर्यजनक हैं उन्होंने डोमेन रियन के जानकारों को भी मात दी है विभिन्न महाशक्तियों ने यह भी सोचा है कि क्या उसने पहले से ही एक डोमेन प्राप्त किया है या नहीं लेकिन एक विस्तृत जांच के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह केवल डोमेन क्षेत्र के विशेषज्ञों की तरह ही मजबूत है उसके पास वास्तव में अभी तक कोई डोमेन नहीं है हालांकि वह एक डोमेन प्राप्त करने के बेहद करीब है वह वास्तव में एक डोमेन के बिना डोमेन दायरे के विशेषज्ञों को टक्कर दे सकता है वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है शांत मेलोडी के दावे के बारे में ब्लू जेड को संदेह था अगर अथर्व इतने ही प्रभावशाली थे तो उन्हें अपनी स्थिति को पहचानना चाहिए कि वह क्या थी फिर भी अथर्व ने सबसे अविश्वसनीय निर्णय लिया था अपने साथियों की जान बचाने के बजाय बीस्ट सम्राट को भड़काना जबकि शांत मेलोडी और ब्लू जेड ने अथर्व पर चर्चा की अन्य शक्तियों के ऊपरी सोपानक घबरा गए बीस्ट सम्राट की राक्षस सेना करीब आ रही थी और अब यह एक हजार गज से भी कम दूर थी दो स्तर अस्सी मिथिक ईविल दानव और छह स्तर अस्सी मिथिक रैंक वाले इविल बीस्ट ने राक्षस सेना का नेतृत्व किया इतनी दूर से भी इन राक्षसों को देखकर इन खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे राक्षसों की इतनी शक्तिशाली सेना के खिलाफ जीरो विंग की सेना के विनाश की संभावना होगी भले ही गिर्ड के पास हजारों विशेषज्ञ और सैकड़ों हजारों संभ्रांत खिलाड़ी मौजूद हों यहां तक कि अगर जीरो विंग तीन और उच्च राक्षसों को बुला सकता है तो भी इसके भाग्य से कोई बच नहीं सकता था हालांकि बैफोमेट्स जीरो विंग ने बुलाया था वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे इस समय गिड का सामना करने वाले एविल बीस्ट्स और एविल डेम्स की सेना बहुत मजबूत थी इस बल में बहुत सारे महान लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स थे जब तक उच्च राक्षसों ने मिथिक ईविल दानवों और मिथिक ईविल बीस्ट्स को हराया तब तक ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स जीरो विंग के सदस्यों को पहले ही खा चुके होंगे काला लॉर्ड अपनी मूर्खता के लिए भुगतान करें बीस्ट सम्राट जिसने प्राचीन रॉक सिटी के ईविल गॉड्स टेम्पल से प्रिमोडियल डिवाइन रूइन की स्थिति का अनुसरण किया ने उपहास किया उन्होंने मिथिक एनपीसी के लिए सात हजार ईविल गॉर्ड्स टेम्पल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च किए थे ताकि प्राइमोडियल डिवाइन रूइन के नक्शे को सील किया जा सके इस मोहर ने खिलाड़ियों को टेलीपोर्टिंग आउट और भौतिक रूप से मानचित्र की सीमाओं को पार करने से रोका इवेल गॉड्स टेम्पल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बोर गॉड्स टेम्पल मेरिट पॉइंट्स से कम कीमती नहीं थे सात हज़ार मेरिट पॉइंट्स के साथ खिलाड़ी बोर गॉड्स टेम्पल से एक उच्च गुणवत्ता वाली महाकाव्य वस्तु खरीद सकते हैं फिर भी उसने अथर्व को भागने से रोकने के लिए इतने पैसे खर्च किए हालांकि सीलिंग बैरियर विशेष रूप से मजबूत नहीं था फिर भी इससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा जीरो विंग को बाधा को नष्ट करने में लगने वाले समय के दौरान उसके इविल बीस्ट्स और इविल डेमन्स कई बार गिल्ड की सेना का सफाया कर सकते थे एक लाख से अधिक इविल दानव और इविल बीस्ट जीरो विंग की सेना के करीब आ गए और यह देखकर गिल्ड के सदस्य घबराए बिना नहीं रह सके राक्षसों के दृष्टिकोण को देखकर वे घुटन महसूस करते थे राक्षसों का आभामंडल तेजी से भयावह होता जा रहा था हालांकि जब 200 गज से कम दूरी पर दोनों पक्ष अलग हो गए तो एक जादुई बाधा दिखाई दी और जीरो विंग की सेना को घेर लिया यह अवरोध किसी और का नहीं बल्कि आंदोलन प्रकार के रक्षात्मक जादू के सरणी का परिणाम था अच्छा बुलाने वालों दिव्य जानवरों को बुलाओ अथर्व ने आज्ञा दी जैसे ही उसने अपने सामने राक्षस सेना को देखा जब डिवाइन बीस्ट का डिसेंट मैजिक एरे सक्रिय हुआ तो मूवमेंट टाइप डिफेंसिव मैजिक एरे के अंदर से सुनहरी रोशनी के दो खंभे उठे दो प्रकाश स्तंभों ने आकाश को छेद दिया और आदिम दिव्य खंडहर पर एक चमकदार चमक डाली प्रकाश स्तंभों ने क्षेत्र में अति प्रवाहित ईविल एनर्जी को भी शुद्ध किया और ग्रे आकाश के एक बड़े हिस्से को उसके मूल नीले रंग में लौटा दिया इसके बाद दो विशाल जादुई सरणियां दिखाई दीं और जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी को निगल लिया जिससे मन बर्बाद हो गया खंडहर में हर कोई भव्य शानदार दृश्य देख रहा था वे क्या हैं क्या मन की मात्रा उन जादू सरणियों को अवशोषित नहीं कर रही है जो थोड़ा बहुत भयानक हैं भले ही हम बहुत दूर हैं फिर भी मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे आसपास का मन सूख रहा है इंतज़ार मैं अब अपने मंत्रों का उपयोग भी नहीं कर सकता विभिन्न प्रमुख शक्तियों और साहसी टीमों के सदस्य पूरी तरह से अविश्वास में आकाश में दो सुनहरे जादू की सरणियों को देखते रहे यह निश्चित रूप से पहली बार था जब उन्होंने इस तरह की घटना देखी या अनुभव की थी दो स्वर्ण जादू सरणियों ने वास्तव में कम से कम पाँच हज़ार गज़ के दायरे में सभी मन को चूस लिया था यहां तक कि उन्हें अपने किसी भी कौशल और मंत्र का उपयोग करने से भी रोक दिया था यहां तक कि एकवार रोज और जीरो विंग के अन्य ऊपरी सोपानक जिन्होंने दो सुनहरे जादू की सरणियों को पहचाना अभी चौंक गए और भ्रमित हो गए यह निश्चित रूप से पहली बार डिवाइन बीस्ट के डेसेंट मैजिक एरे को सक्रिय नहीं कर रहा था अधिक से अधिक जादू की सरणी अतीत में पांच सौ गज़ के दायरे में मन को हिला देगी यहां तक कि जब उन्होंने एक साथ कई डिवाइन बीस्ट के डेसेंट मैजिक एरे को सक्रिय किया था तो सरणियों ने इतना मान अवशोषित नहीं किया था कि प्रभावित क्षेत्र के खिलाड़ी अपने कौशल या मंत्र का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे फिर भी न केवल दो डिवाइन बीस्ट की डेसेंट मैजिक एरेज ने पांच शून्य 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 गज के दायरे को प्रभावित किया बल्कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्र में लगभग सभी माने को भी निकल लिया था अद्भुत जादुई सरणियों के कोर के रूप में मौलिक स्रोतों का उपयोग करना वास्तव में उन्हें इस हद तक सुधार सकता है अथर्व अपने सामने के शानदार दृश्य पर विस्मय किए बिना नहीं रह सका उनके ज्ञान के आधार पर यहां तक कि एडवांस्ड समनिंग मैजिक एरेज भी इतना बड़ा मैना ड्रेन नहीं कर सका दुर्भाग्य से उसने कभी मास्टर सम्मनिंग मैजिक एरे नहीं देखा था इसलिए वह एक अच्छा निर्णय नहीं ले सका जैसे जैसे मन दो विशाल जादुई सरणियों में भरता गया दो दिव्य जानवरों के आंकड़े धीरे धीरे उभरकर सामने आए शीघ्र ही 600 मीटर तक के पंखों वाले दो गोल्डन ड्रैगन रक्षात्मक जादू सरणी के ऊपर दिखाई दिए दोनों गोल्डन ड्रैगन गहरे बैंगनी रंग के धागों से ढके हुए थे जिसने ड्रैगन को एक पवित्र और राजसी एहसास दिया गर्जन एक बार जब गोल्डन ड्रैगन्स पूरी तरह से प्रकट हो गए तो उन्होंने गर्जना जारी की जो पूरे आदिम दिव्य खंडहर में गूंजती थी उनकी सर्वश्रेष्ठ घोषणा के बाद उन्होंने शक्तिशाली शॉकवेव्स जारी की जो बार बार तेजी से आ रहे दुष्ट दानवों और जानवरों को पीछे धकेलती थीं यहां तक कि दो गोल्डन ड्रैगन्स के नीचे रक्षात्मक जादू सरणी भी हिंसक रूप से कांपने लगी ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण बिखर जाएंगे दो गोल्डन ड्रैगन्स ने भी अपने आभा मंडल को पूरी तरह से खोल दिया था जिससे उनके चारों ओर की जगह खाली हो गई थी यहाँ तक कि जीरो विंग के सदस्य जिन्हें एक रक्षात्मक जादू सरणी द्वारा संरक्षित किया गया था ने महसूस किया कि उनके आंदोलन कठोर हो गए हैं ड्रेगन क्या वे वास्तव में ड्रैगन हैं क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं जीरो विंग वास्तव में ड्रैगन को बुला सकता है विभिन्न प्रमुख शक्तियों के खिलाड़ी जो दूर से देखते थे दो गोल्डन ड्रैगन को उभरी हुई आंखों से देखते थे विभिन्न प्रमुख शक्तियों को पता था कि भगवान के डोमेन में किस प्रकार के राक्षस ड्रैगन थे वे विनाश के अवतार थे उनकी जीवन रेटिंग प्राचीन देवताओं के बाद केवल दूसरे स्थान पर थी और एक अकेला ड्रैगन पूरे राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था फिर भी इनमें से दो महान दैत्य उनके सामने आकाश में तैरते रहे दबाव में दो ड्रैगन उत्सर्जित हुए उन्होंने विरोध करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की ऐसा लगा जैसे ये दो ड्रैगन इस भूमि के पूर्ण अधिपति थे दो गोल्डन ड्रैगन्स ने जो दबाव छोड़ा वह अब बुनियादी गुणों का मामला नहीं था जीवन रेटिंग में यह अंतर था हालांकि उन्नत पहचान कौशल का उपयोग करने के बाद कुछ खिलाड़ियों को जल्द ही पता चला कि ये राक्षस असली ड्रैगन नहीं थे बल्कि वे केवल प्राणी थे जिनमें ड्रैगन की आत्मा का एक छोटा सा निशान था दिव्य जादू ड्रैगन मौलिक प्राणी पुरातन प्रजाति मिथक एचपी छह सौ शून्य 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 छह सौ शून्य 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 हालांकि डिवाइन मैजिक ड्रैगन असली ड्रैगन नहीं थे फिर भी उन्होंने अथर्व को हैरान कर दिया इन दो डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स के पास वास्तव में डोमेन थे यही वजह थी कि उनकी मात्र उपस्थिति ने उनके आसपास के स्थान को इतनी तेजी से प्रभावित किया जाना यह वध का समय है अथर्व ने फ्लाइंग शैडो और शैडो स्क्वाड की कमान संभाली जिन्होंने डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स को नियंत्रित किया एक स्तर अस्सी मिथिक रैंक की पुरातन प्रजाति पहले से ही वर्तमान खिलाड़ियों के लिए एक दोस्वप्न थी अकेले एक मिथिक रैंक वाली पुरातन प्रजाति जो एक डोमेन का उपयोग कर सकती थी टीयर चार एनपीसी एक ही स्तर के एक पौराणिक राक्षस के साथ पैर की अंगुली जा सकता है इसका कारण एक डोमेन का उनका नियंत्रण था जबकि अपने स्वयं के डोमेन के अंदर टीयर चार एनपीसी अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और एक ही समय में अपने दुश्मनों को दबा सकते हैं हालांकि यह एक अलग कहानी होगी यदि लक्षित मैथिक राक्षस का अपना डोमेन हो ऐसा अस्तित्व समान पद और स्तर के लोगों के बीच व्यावहारिक रूप से अजय होगा यहां तक कि उच्च दानव बैफोमेट को एक तरफा पिटाई मिलेगी यदि वह आमने सामने की लड़ाई में डिवाइन मैजिक ड्रैगन का सामना करने की कोशिश करता है अथर्व का आदेश सुनकर छाया तलवार और उड़ती हुई छाया जो जमीन पर दो जादुई सरणियों के बीच में खड़ी थी ने सिर हिलाया इसके बाद उन्होंने ईविल डेमंड और ईविल बीस्ट्स पर चार्ज करने के लिए डिवाइन मैजिक ड्रैगन को नियंत्रित किया जवाब में डिवाइन मैजिक ड्रैगन ने एक बार अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और गायब हो गए जब तक दर्शकों ने डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स के लापता होने पर प्रतिक्रिया दी तब तक दोनों ड्रैगन एक सौ गज से अधिक पार कर चुके थे दो सेकंड के बाद दो में से एक ड्रैगन एक मिथिक ईविल दानव के सामने आया 150 मीटर लंबे डिवाइन मैजिक ड्रैगन से पहले 5 मीटर लंबा लेवल 80 मिथिक ईविल दानव एक चींटी की तरह दिखता था ड्रैगन ने इसके पहले अपने पंजे को ईविल दानव पर स्वाइप किया और जैसे ही उसका पंजा गुजरा कई आंसू फट गए हालांकि मिथिक ईविल दानव ने हमले को चकमा देने की कोशिश की लेकिन ड्रैगन के पंजे के दबाव के कारण उसकी चाल धीमी थी ड्रैगन के डोमेन ने मिथकीय दुष्ट दानव को भी हर तरह से दबा दिया न केवल डोमेन ने इविल दानव के मूल गुणों को कम किया बल्कि ईविल दानव की प्रतिक्रिया की गति भी धीमी हो गई इसके अलावा डिवाइन मैजिक ड्रैगन का पंजा भयावह रूप से तेज था अंत में पहाड़ जैसे पंजे ने मिथक रैंक वाले ईविल दानव पर प्रहार किया इससे पहले कि वह रास्ते से हटना शुरू कर सके बूम मिथिक ईविल दानव का शरीर तुरंत भारी बल के तहत जमीन में धंस गया तीस मीटर लंबी दरारें उसके चारों ओर जमीन को विभाजित कर रही थीं आसपास के सभी सरदार रैंक वाले ईविल दानव और ईविल बीस्ट तुरंत मर गए और केवल लॉर्ड रैंक और उससे ऊपर के लोग जीवित रहने में कामयाब रहे हालांकि जीवित राक्षसों ने भारी घायल राज्य बनाए रखा इस बीच अन्य डिवाइन मैजिक ड्रैगन ने माइथिक ईविल बीस्ट के चालीस मीटर लंबे शरीर को जमीन में उचलते हुए अस्सी इविल अर्थ ड्रैगन के स्तर पर पेट भर दिया था द डिवाइन मैजिक ड्रैगन ने फिर अपनी पूंछ को स्वाइप किया इसके चारों ओर की जमीन को समतल कर दिया और बड़ी संख्या में कम रैंक वाले दुष्ट जानवरों और दुष्ट राक्षसों को दूर कर दिया यह देखकर विभिन्न प्रमुख शक्तियों और साहसी टीमों के खिलाड़ियों को देखकर हक्का बक्का रह गया अधिक मजबूत डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स और बीस्ट एम्परर की राक्षस सेना के बीच ताकत का अंतर उस बिंदु से परे था जहां बाद वाले संख्या के साथ क्षतिपूर्ति कर सकते थे द मिथिक रैंक वाले इविल डेमन्स एंड एविल बीस्ट्स एक पल के लिए भी डिवाइन मैजिक ड्रैगन को पिन नहीं कर सके नतीस डिवाइन मैजिक ड्रैगन ग्रैंड लॉर्ड और ग्रेट लॉर्ड रैंक के एविल डेमन्स और एविल बिस्ट्स पर हमला करने के लिए स्वतंत्र थे जो जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे जब डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स ने हमला किया तो ग्रैंड लॉर्ड्स भी तुरंत भारी रूप से घायल हो गए उनकी युद्धक शक्तियों में भारी कमी आई भले ही ये भारी घायल ग्रैंड लॉर्ड्स और ग्रेट लॉर्ड्स जीरो विंग के रक्षात्मक अवरोध तक पहुंच गए हों जीरो विंग के विशेषज्ञ जिन्होंने मैना वेपन्स को उतारा था उन्हें आसानी से मार सकते थे और मार सकते थे जिसके बाद दो डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स ने युद्ध के मैदान में कहर बरपाया हालांकि मिथिक रैंक वाले इविल डेमन्स और इविल बीस्ट्स ने दो ड्रैगन को नीचे गिराने की कोशिश की लेकिन डिवाइन मैजिक ड्रैगन ने अपने मिथिक विरोधियों से परेशान नहीं किया इसके बजाय दो ड्रैगन ने अपने पौराणिक विरोधियों को उड़ने के लिए भेजा और निचले क्रम के इविल दानवों और इविल बीस्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया यहां तक कि जब इन मिथिक रैंक वाले इविल बीस्ट्स एंड डेमन्डस ने जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी को निशाना बनाया तो डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स उनसे आगे निकल गए और उन्हें फिर से उड़ने के लिए भेजा अपने विशाल फ्रेम के साथ दो डिवाइन अर्थ ड्रैगन्स जीरो विंग के सदस्यों की लगभग पूरी तरह से रक्षा कर सकते हैं बहुत कम से कम दुश्मन का कोई भी पौराणिक राक्षस जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी को नहीं छू सकता था इससे पहले कि एक मिनट भी बीतता लगभग दो दुष्ट दानव और दुष्ट जानवर मारे जा चुके थे दो दिव्य जादू ड्रेगन विशाल हत्या मशीनों की तरह थे जो जीरो विंग के सदस्यों के लिए लगातार अर्जित करते थे तो यही कारण है कि जीरो विंग इतना आश्वस्त था जीरो विंग की सेना को तेजी से इविल दानव और बीस्ट सेना को देखते हुए विभिन्न प्रमुख शक्तियों को अंत समझ में आया कि जीरो विंग ने इतने कम सदस्यों के साथ दुश्मन के इलाके में गोता लगाने का साहस क्यों किया काला लॉ बीस्ट सम्राट ने प्राचीन रॉक सिटी में इविल गॉड्स ब्रांच मंदिर के अंदर दर्जनों और सैकड़ों लोगों द्वारा अपने नाबालिगों का नरसंहार होते हुए देखा जब उन्होंने गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई उसने इन दुष्ट राक्षसों और दुष्ट जानवरों का सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया था ताकि वे ओआरसी साम्राज्य में उसके शासन की नींद के रूप में काम कर सकें फिर भी उसका नफ़रत करने वाला दुश्मन उन्हें स्प के लिए मार रहा था यदि लड़ाई इसी दर से जारी रही तो जीरो विंग ने अपने मंत्रियों का सफाया करने से पहले केवल कुछ समय की बात की थी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीस्ट सम्राट ने अपने दांत पीस लिए और मंदिर के भीतर काले वस्त्रों में एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया बहुत सम्मानपूर्वक उन्होंने कहा लॉर्ड बायर मैं व्यक्तिगत रूप से इन अज्ञानी साहसी लोगों का सफाया करने के लिए लॉर्ड डायरो को नियुक्त करना चाहता हूं मुझे आशा है कि आप मुझे अपनी अनुमति प्रदान करेंगे आप कार्रवाई करने के लिए डायरो प्राप्त करना चाहते हैं काले चोगे वाले बुजुर्ग ने उदासीनता से पूछा यह कोई समस्या नहीं होगी लेकिन डायरो की सेवाएं सस्ती नहीं हैं इसके लिए आपको प्रति घंटे बारह हजार योगदान अंक खर्च करने होंगे इतना महंगा बीस्ट एम्परर इस कीमत को सुनकर अपनी भावें रोके नहीं रह सका वह पहले से ही सात हजार सीपी खर्च कर चुका था ताकि डायरो को प्राइमर्डियल डिवाइन रूविन पर सीलिंग बैरियर डालने के लिए काम पर रखा जा सके अब उसके पास केवल चौदह हजार सीपी शेष थे यदि वह अभी और बारह हजार सीपी खर्च करता है तो उसे अपनी कई मूल योजनाओं को रद्द करना होगा या काफी देरी करनी होगी क्या आपने निर्णय लिया है बायरन ने पूछा लॉर्ड बायरन मैं एक घंटे के लिए लॉर्ड डायरो को किराए पर लेना चाहता हूं बीस्ट सम्राट ने मामले पर कुछ विचार करने के बाद जवाब दिया आखिरी चीज जो वह इस समय खो सकता था वह एक और दुष्ट परमेश्वर का प्रेरित था जैसे ही बीस्ट सम्राट ने बोलना समाप्त किया बारह हज़ार ईविल गॉड्स टेम्पल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उसके भंडार से गायब हो गए उसी समय दूर प्राइमर्डियल डिवाइन रूइन में मिथिक एनपीसी डायरो बीस्ट सम्राट के नियंत्रण में एक भाड़े का सैनिक बन गया काला लॉ आप मृत्यु में पीड़ित होंगे बीस्ट सम्राट ने डायरो को दिया पहला आदेश अथर्व को मारना था जो जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी के अंदर खड़ा था इस बीच प्राइमर्डियल डिवाइन रूइन में वापस डायरो जो चुपचाप एक उड़ते हुए दुष्ट जानवर के ऊपर खड़ा था ने अचानक अपनी आंखें खोली अचानक उसके चारों ओर का मन गायब हो गया और बुरी ऊर्जा के एक शक्तिशाली उछाल ने उसे बदल दिया डायरो की भयावह आभा प्राइमर्डियल डिवाइन रूविन तक पहुंच गई जिससे उपस्थित खिलाड़ी घबरा गए और एनपीसी पर कड़ी नजर रखने लगे डायरो ने हल्के से अपने पैर को उसके नीचे वाले ईविल बीस्ट पर थपथपाया फ्लाइंग ईविल बीस्ट ने धीरे धीरे अथर्व की ओर उतरते हुए एक धीमी चीख निकाली असंभव यह माइथिक एनपीसी वास्तव में लड़ाई में भाग ले सकता है जेंटल स्नो और एकवा रोज के हाव भाव गहरे हो गए जब उन्होंने एनपीसी एल्डर अप्रोच देखा जल्दी से एकवा रोज चिल्लाया छाया तलवार अभी के लिए पौराणिक राक्षसों को अनदेखा करें और उस एनपीसी को रोक दें एकवा रोज की आज्ञा सुनकर शैडोस स्वॉर्ड ने तुरंत सिर हिलाया उन्हें भी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया था मिथिक रैंक वाले ईविल डेम्स और एविल बीस्ट्स के विपरीत मिथिक एनपीसी को हमले की सीमा के भीतर आने की अनुमति देना कोई हंसी की बात नहीं होगी तुरंत शैडो स्वाड ने डायरो पर चार्ज करने के लिए अपने डिवाइन मैजिक ड्रैगन को नियंत्रित किया स्क्रैम शेडो स्वाड ने तब अपने डिवाइन मैजिक ड्रैगन को एनपीसी के बड़े को थप्पड़ मारने का निर्देश दिया यह जानवर सम्राट वास्तव में एक मिथक एनपीसी को मैदान में शामिल होने के लिए मना सकता है क्या यह एक मजाक है हम जिस्टियर चार एनपीसी के बारे में बात कर रहे हैं प्रिमोरियल डिवाइन रूइन में विभिन्न प्रमुख शक्तियों और साहसी टीमों के सदस्यों ने चौड़ी आंखों से देखा क्योंकि उन्होंने डायरो को युद्ध के मैदान में उतरते हुए देखा था उनके दिल दिलदर और सदमे में धड़क रहे थे इनमें से कोई भी खिलाड़ी टीआर चार एनपीसी के लिए अजनबी नहीं था टीआर चार एनपीसी ने विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों में हर बड़े एनपीसी शहर पर शासन किया और जो कोई भी इस तरह के एनपीसी से मिला था उन्हें पता होगा कि वे कितने शक्तिशाली थे गॉड्स डोमेन में खिलाड़ी अधिक कौशल मंत्र और युद्ध तकनीक होने के कारण उच्च स्तर के राक्षसों का सामना करने में सक्षम थे इस लाभ के साथ खिलाड़ी शक्तिशाली राक्षसों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं और कम बुनियादी विशेषताओं के बावजूद उन्हें हरा सकते हैं हालांकि एनपीसीज में ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी राक्षसों के विपरीत एनपीसीज़ के कौशल और मंत्र की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही खिलाड़ियों से कहीं बेहतर थे वे इन कौशलों और मंत्रों के साथ कई जटिल संयोजन हमलों को अंजाम देने में सक्षम थे जिससे राक्षसों की तुलना में उनका सामना करना कहीं अधिक कठिन हो गया मामले को बदतर बनाने के लिए हालांकि एनपीसी के मूल गुण समान रैंक और स्तर के राक्षसों की तुलना में कम थे फिर भी वे खिलाड़ियों की तुलना में बहुत अधिक थे डायरो ने अपनी आंखें खोलने के बाद जो दबाव छोड़ा उसने उसे पहले की तुलना में एक पूरी तरह से अलग इकाई की तरह महसूस किया ईविल एनर्जी डायरो विकीर्ण इतना अतुलनीय रूप से घना था कि ईविल एनर्जी ने उसके चारों ओर के स्थान को नष्ट कर दिया दो हज़ार गस से अधिक दूर के खिलाड़ी इस आदमी की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे यदि खिलाड़ियों को ऐसा लगता है जैसे कि वे पानी के एक कुंड में डूबे हुए हैं जैसा कि मिथिक ईविल डेमन्स और मिथिक ईविल बीस्ट्स के आभा ने उन्हें धोया था तो डायरो की आभा को ऐसा लगा जैसे उन्हें क्विक सिल्वर के गड्ढे में फेंक दिया गया हो वे इस एनपीसी की आभा में नहाते हुए सिवाय सिवाय नहीं रह सकते थे इन खिलाड़ियों को आखिरकार समझ में आया कि टीयर चार एनपीसी कितना भयानक था यदि यह एनपीसी बुजुर्ग चाहता तो वह निश्चित रूप से प्रत्येक खिलाड़ी को प्राइमरडियल डिवाइन रोइन में मार सकता था और वे उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे जैसा कि विभिन्न शक्तियों और साहसी टीमों के सदस्य डायरों की आभा से सदमे में थे डायरों के सामने अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई यह आंकड़ा कोई और नहीं बल्कि शैडो स्वाड के नियंत्रण में डिवाइन मैजिक ड्रैगन था जैसे ही यह अपने लक्ष्य पर पहुंचा डिवाइन मैजिक ड्रैगन का पहाड़ जैसा पंजा मैथिक एनपीसी पर उतर गया हालांकि समान स्तर की उड़ान के पौराणिक राक्षसों को भेजने के लिए पर्याप्त शक्ति होने के बावजूद डायरो ने पंजे को नजरअंदाज कर दिया और उसे उतरने दिया बूम इविल बैट डायरो गोली की तरह जमीन पर गिरा ईविल बैट के दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद प्रभाव ने जमीन में सत्तर गज की त्रिजा के साथ एक गड्ढा बना दिया ईविल बैट लेवल अस्सी ग्रैंड लॉर्ड होने के बावजूद एक ही हमले ने इसे भारी रूप से घायल कर दिया था अब ईविल बैट के लिए उड़ान भी असंभव थी एनपीसी कहा है स्वॉर्ड ने भ्रम में गड्ढे के तल की जांच की उन्होंने केवल ईविल बैट को गड्ढे में देखा डायरो कहीं नहीं मिला छाया तलवार एनपीसी की भयानक आभा को भी महसूस नहीं कर सका यह ऐसा था जैसे बूढ़ा गायब हो गया था एक दूसरे बाद में एविल बैट के मूल स्थान में एक आकृति दिखाई दी जो डायरो के अलावा कोई नहीं थी बूढ़ा मंत्र जब के बीच में था पहले से ही दिव्य रनों की कई पंक्तियां लिख चुका था जैसा कि डायरो ने अपना स्पेल डालना जारी रखा उसके पीछे एक जादुई सरणी बनी जो अपने परिवेश से भारी मात्रा में ईविल एनर्जी को अवशोषित कर रही थी एक छोटे से क्षण बाद व्यू से पहले का स्थान फट गया जिससे एक ब्लैक होल बन गया जिसने अपने आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध हर प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जादू की सरणी की आभा की बढ़ती ताकत को भांपते हुए शेडो स्वॉर्ड की अभिव्यक्ति गहरी हो गई वह आसानी से बता सकता था कि डायरो का जादू कितना शक्तिशाली होगा यह निश्चित रूप से टीयर चार बड़े पैमाने के विनाश मंत्र से अधिक मजबूत था यदि इस जादू ने दिव्य जादू ड्रैगन को नियंत्रित किया तो हमला निस्संदेह ड्रैगन को उड़ने के लिए भेजेगा यदि ऐसा हुआ तो डायरो के पास आंदोलन प्रकार के रक्षात्मक जादूसरी पर हमला करने का अवसर होगा और इसके परिणाम अकल्पनीय रूप से भयानक होंगे मरना शैडो स्वाड ने तेजी से टीयर चार स्किल फाइव थंडर फिंगर्स का इस्तेमाल किया जिसका लक्ष्य डायरो पर कौन अटैक था जैसे ही डिवाइन मैजिक ड्रैगन का पंजा एनपीसी की ओर बढ़ा बिजली के अनगिनत चाप उसके अंकों की नोक से बढ़े और डायरो तक पहुंच गए हालांकि जैसे कि उसने इस हमले के लिए तैयारी की थी डायरो ने उसके सामने हवा में अपने कर्मचारियों के बट को हल्के से थपथ पाया जवाब में एक ग्रे तीन गुना जादू की सरणी बूढ़े व्यक्ति के सामने दिखाई दी जो उसे ड्रैगन के हमले से बचा रहा था टियर फोर डिफेंसिव स्पेल डार्क हंट डबल स्पीड कास्टिंग डायरो को देखते ही हर कोई सदमे में आ गया जो अभी भी अपना पहला जादू कर रहा था जादुई वर्ग के खिलाड़ी विशेष रूप से स्तब्ध थे डबल स्पीड कास्टिंग एक उपलब्धि थी जिसे हासिल करने के लिए कई जादुई वर्ग के खिलाड़ियों ने काम किया दुर्भाग्य से बहुत कम जादुई वर्ग विशेषज्ञ वास्तव में ऐसा कर सके इसके अलावा स्पेल का स्तर जितना ऊंचा होगा डबल कास्टिंग करना उतना ही मुश्किल होगा डबल स्पीड कास्टिंग का उल्लेख नहीं करना यहां तक कि टीयर दो चोटी के विशेषज्ञों को दो टीयर दो मंत्रों को डबल स्पीड कास्टिंग करने में बड़ी कठिनाई हुई फिर भी डायरो एक साथ दो टीयर चार मंत्रों को डाल सकता था एनपीसी की स्पेलकास्टिंग पहले से ही चोटी के विशेषज्ञों के बराबर थी डायरो के तीन गुना जादू सरणी ने तुरंत बिजली के आने वाले चाप को रोक दिया कोई भी चाप किसी भी नुकसान से निपटने में कामयाब नहीं हुआ था यह देखते हुए कि डायरो अपना पहला स्पेल पूरा करने वाला था शैडो स्वॉर्ड ने जल्दबाजी में अपने डिवाइन मैजिक ड्रैगन को दूसरी दिशा से एनपीसी पर हमला करने का निर्देश दिया डार्क हांड केवल एक दिशा से हमलों को रोक सकता था यह अन्य कोणों से हमलों के खिलाफ बेकार था हालांकि जब डिवाइन मैजिक ड्रैगन का पंजा डायरो तक पहुंचने वाला था एनपीसी एक बार फिर गायब हो गया इस बार वह हमलावर ड्रैगन से एक सौ गज की दूरी पर फिर से प्रकट हुआ टीयर तीन स्पेल एडवांस्ड मूवमेंट बकवास कास्टिंग जादुई वर्ग के विशेषज्ञों के होश तब उड़ गए जब देखा डायरो डिवाइन मैजिक ड्रैगन से एक सौ गज़ की दूरी पर दिखाई दिया उन्नत आंदोलन विशेष रूप से दुर्लभ जादू नहीं था यह वास्तव में एक सामान्य मंत्र था जिसका उपयोग टीयर तीन जादुई वर्ग एनपीसी ने किया था जिस तरह से डायरो ने जादू का इस्तेमाल किया था वह वास्तव में आश्चर्यजनक था एक तरह से सप्लीमेंट्री कास्टिंग डबल कास्टिंग के समान थी लेकिन एक ही समय में दो मंत्रों को प्रसारित करने के बजाय सप्लीमेंट्री कास्टिंग के दौरान अपना पहला स्पेल डालने के माध्यम से दूसरा स्पेल मिडवे अचानक डाला जा सकता था यह तकनीक डबल स्पीड कास्टिंग से भी ज्यादा कठिन थी इस बीच इससे पहले कि डिवाइन मैजिक ड्रैगन एक और हमला शुरू करने के लिए डायरो तक पहुंच पाता एनपीसी ने अपने स्पेल के लिए दिव्य रनों की अंतिम पंक्ति लिखना समाप्त कर दिया डायरो के विक्षिप्त चेहरे को एक व्यंग्यात्मक ढंग से घुमा दिया क्या आपको लगता है कि आप मुझे डार्क विजार्ड डायरो को एक नीच प्राणी के साथ रोक सकते हैं डायरो ने कहा कि उसने अथर्व को देखा और अपने कर्मचारियों के साथ हाथ हिलाया अचानक अंतरिक्ष में दरारें पड़ने से आकाश फटने लगा असीम इविल एनर्जी तब इन दरारों से बाहर निकली और डायरो के कर्मचारियों की नोक पर इकट्ठा हो गई पर्याप्त इविल एनर्जी इकट्ठा करने के बाद डायरो ने अपने कर्मचारियों की एक और लहर के साथ उसके चारों ओर इक्कीस पिचकाले भाले बनाए इन भालों के साथ बिजली की चांदी की चाप फटी टीयरचार अभिशाप विनाश भाला जाना डायरो ने अपना हाथ लहराया इक्कीस पिचकाले भाले डिवाइन मैजिक ड्रैगन की ओर उड़े टीयर चार अभिशाप के उत्पाद के रूप में प्रत्येक पिचकाले भाले में भयावह मात्रा में शक्ति होती है जब शैडो स्वॉर्ड ने डिवाइन मैजिक ड्रैगन के साथ भाले पर हमला करने की कोशिश की तो एक भाले को पीछे हटाकर वास्तव में ड्रैगन को थोड़ा पीछे धकेल दिया पिचकाले भाले के भीतर की ताकत वास्तव में ड्रैगन के बराबर थी हालांकि दोनों पक्षों में समान शक्ति थी फिर भी 21 पिचकाले भाले थे इस बीच जब खिलाड़ियों ने एक संबंधित प्राणी को नियंत्रित किया तो वे इसे आसानी से अपने शरीर के रूप में नियंत्रित नहीं कर सके जिससे अंत जीव को नियंत्रित करते समय उनके युद्ध मानकों में कमी आई इसलिए भले ही शैडो स्वॉर्ड शोधन क्षेत्र में पहुंच गया था वह एक बार में केवल पांच या छह भाले ही रोक सका जबकि शेष हथियारों ने डिवाइन मैजिक ड्रैगन पर प्रहार किया एक समय के लिए डिवाइन मैजिक ड्रैगन पूरी तरह से नुकसान में था क्योंकि भाले ने इसे जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी की ओर वापस ढकेल दिया इसे खत्म करने का समय डायरो ने अपने कर्मचारियों को फिर से लहराया दो पिचकाले भाले को एक हथियार में शामिल किया और डिवाइन मैजिक ड्रैगन पर प्रहार किया यह हमला अलग अलग बुलाए गए हथियारों की तुलना में कहीं अधिक ताकत वाला था हालांकि संयोजन हमले से ठीक पहले डिवाइन मैजिक ड्रैगन तक पहुंच गया अचानक डिवाइन मैजिक ड्रैगन के सामने काली रोशनी की एक चमक चमक उठी उसी समय संयुक्त भाले जो ड्रैगन की छाती की ओर उड़े मार्ग से भटक गए दो हथियार तब अलग हो गए जब उन्होंने ड्रैगन के किनारों पर बिना किसी नुकसान के तराजू को पार किया इसने डायरो को थोड़ा भ्रमित किया क्या चल रहा है ड्रैगन ने हमले को चकमा दिया नहीं ऐसा नहीं है जीरो विंग के संबंध एरे को देखें कुछ? क्या वह काली ज्वाला नहीं है अचानक हुए इस घटनाक्रम से तमाशबीनों की भीड़ एक पल के लिए हतप्रभ रह गई वे यह समझने में विफल रहे कि ब्लैक स्पीयर्स संयोजन हमले को रोकने के लिए डिवाइन मैजिक ड्रैगन पर्याप्त शक्तिशाली कैसे हो गया था हालांकि कुछ खिलाड़ियों की पैनी नजर ने तुरंत देखा कि शैडो स्वॉर्ड अब डिवाइन मैजिक ड्रैगन के लिए योग सरणी में खड़ा नहीं था अथर्व ने वास्तव में उनकी जगह ले ली थी काला लॉ क्या आपको लगता है कि आप केवल नियंत्रकों को बदलकर इस परिणाम को बदल सकते हैं बीस्ट एम्परर जब अथर्व को डिवाइन मैजिक ड्रैगन को नियंत्रित करते हुए देखता है तो हंसे बिना नहीं रह पाता है तलब किए गए जीवों को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं था जितना किसी खिलाड़ी के शरीर पर स्वाभाविक रूप से एक डोमेन क्षेत्र विशेषज्ञ के पास शुद्धिकरण क्षेत्र विशेषज्ञ की तुलना में संबंधित प्राणी पर कहीं अधिक नियंत्रण होगा शोधन के क्षेत्र ने एक खिलाड़ी की पांच इंद्रियों में सुधार किया लेकिन खिलाड़ी अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से बुलाए गए प्राणी के साथ विलय नहीं कर सके नतीजतन बुलाए गए प्राणी को नियंत्रित करते समय किसी की युद्ध शक्ति काफी सीमित थी उन्होंने नियंत्रक बदल दिए डायरो बुदबुदाया क्योंकि उसने दूर बुलाने वाले व्यू को देखा मिथक एनपीसी के रूप में उनकी बुद्धि अविश्वसनीय रूप से उच्च थी इसलिए वह युद्ध के मैदान में होने वाले किसी भी बदलाव का तुरंत आकलन करने में सक्षम था हालांकि डायरो की आंखों में आश्चर्य जल्दी से फीका पड़ गया उसकी जगह उपहास ने ले ली मूर्ख नश्वर क्या आपको लगता है कि आप मेरे विनाश के भाले को रोक सकते हैं क्योंकि आपने एक नीच प्राणी का अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है आपने जो कुछ किया है वह आपके दुख को बढ़ा रहा है इतना कहकर डायरो ने बीस भालों को दस जोड़ियों में जोड़ दिया और अथर्व पर एक साथ हमला कर दिया आने वाले दस हमलों को देखते हुए अथर्व ने डिवाइन मैजिक ड्रैगन के पंजों से स्वॉर्ड्स ऑर्बिट को अंजाम दिया डंक 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 आदिकालीन दैवीय खंडहर में झंकार की एक श्रृंखला गूंजती है अंत में अथर्व के ड्रैगन ने बीस विनाश भालों में से प्रत्येक को एक तरफ कर दिया भाले ने ड्रैगन को एक इंच भी नहीं हिलाया था डिवाइन मैजिक ड्रैगन को बहुत कम नुकसान पहुंचाया उसने सभी हमलों को रोक दिया वह कैसे संभव है प्रिमोडियल डिवाइन रूइन के सभी खिलाड़ी विशेषज्ञ थे उनमें से कुछ तो शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे इसलिए उन सभी ने पहचाना कि डायरो ने अभी-अभी जिस तकनीक का प्रदर्शन किया है वह कितनी प्रभावशाली है उनकी राय में डायरो के दस संयोजन हमले शानदार थे भले ही बुनियादी विशेषताओं में कोई अंतर न हो तमाशबीन भीड़ के बीच शोधन क्षेत्र उन सभी हमलों को जरा सा भी समर्थन किए बिना रोकने में आश्वस्त नहीं थे यदि उन्हें किसी संबंधित प्राणी के साथ ऐसा करना पड़े तो उनकी सफलता की संभावना और भी कम होगी फिर भी अथर्व ने न केवल डायरो के हर एक हमले को सफलतापूर्वक रोका था बल्कि उसने डिवाइन मैजिक ड्रैगन के साथ भी ऐसा किया था उनका नियंत्रण अद्भुत है ब्लू जेर की आंखों में शौक कौंध गया जब उसने आसमान में डिवाइन मैजिक ड्रैगन को देखा तो यह एक डोमेन हासिल करने के निकटतम विशेषज्ञ की ताकत है टीयर दो सम्मनर के रूप में उसे इस बात का अधिक स्पष्ट अंदाजा था कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में एक सम्मनित प्राणी को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था खिलाड़ियों के लिए एक बुलाए गए प्राणी को नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से असंभव था और साथ ही उन्होंने अपने शरीर को भी नियंत्रित किया यह तथ्य स्वयं के लिए भी सत्य था बहते पानी के दायरे में पहुंचने के बावजूद एक बुलाए गए प्राणी के साथ उसके युद्ध के मानक मुश्किल से ट्रायल टावर की छठी मंजिल पर थे यहां तक कि अगर उसने एक सफलता हासिल की और शून्य दायरे में पहुंच गई तो वह केवल अपने लड़ाकू मानक को ऊपर उठाने के लिए आश्वस्त थी जब एक तलब किए गए प्राणी को नियंत्रित करते हुए ट्रायल टावर की छठी मंजिल के मध्य चरण तक फिर भी अथर वास्तव में डिवाइन मैजिक ड्रैगन के साथ शोधन क्षेत्र तक पहुंच सका यह बिल्कुल अविश्वसनीय था इस बीच बीच हवा में मंडराते हुए दायरों ने अपने पहले वॉली को विफल होते देख अपने प्रतिद्वंद्वी वायल गुणवत्ता के हमलों को हराने की कोशिश करना बंद कर दिया इसके बजाय उसके पास अलग अलग दिशाओं से एक साथ इक्कीस विनाश भाले के हमले थे अचानक ब्लैक लाइट की कई धारियों ने डिवाइन मैजिक ड्रैगन को भस्म करने की धमकी दी यह हरामी वह वास्तव में मेरे खिलाफ था शैडो स्वॉर्ड ने उसकी मुट्ठी को कसकर मारा हताशा ने उसकी टकटकी भर दी क्योंकि उसने विनाश भाले को हवा में नाचते हुए देखा जब उसने डिवाइन मैजिक ड्रैगन को नियंत्रित किया था तो डायरो के विनाश भाले के हमले बहुत सीधे थे एनपीसी ने किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था अब हालांकि डिस्ट्रक्शन स्पीयर्स एक समन्वित और अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए पैटर्न में चले गए ये हरकतें जाहिर तौर पर किसी तरह की युद्ध तकनीक का नतीजा थीं भले ही शैडो स्वॉर्ड और उसके प्रतिद्वंद्वी के गुणों के बीच कोई अंतर नहीं था उसने महसूस किया कि यदि वह व्यक्तिगत रूप से समन्वित हमलों से बचाव करने की कोशिश करता है तो वह मुट्ठी भर भाले को रोक सकता है जैसे ही डिस्ट्रक्शन स्पीयर्स डिवाइन मैजिक ड्रैगन में घुसने वाले थे अथर्व ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया उसने डिवाइन मैजिक ड्रैगन को नियंत्रित किया ताकि वह आने वाले भाले में सबसे पहले उड़ सके वह क्या करने की कोशिश कर रहा है अथर्व की इस हरकत से देखने वालों की भीड़ हतप्रभ रह गई हालांकि डिस्ट्रक्शन स्पियर्स डिवाइन मैजिक ड्रैगन को नहीं मार सकती थी अगर सभी 21 भाले बुलाए गए प्राणी को मारते तो प्रभाव निश्चित रूप से इसे कई सौ गज पीछे उड़ता हुआ भेज देता अगर ऐसा हुआ तो डायरो के पास जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी को नष्ट करने के बहुत सारे अवसर होंगे हालांकि जैसा कि सभी ने मान लिया था कि अथर्व हमलों के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था डिवाइन मैजिक ड्रैगन ने भाले के चारों ओर फुर्ती से चलना शुरू कर दिया और तेजी से उसके और डायरों के बीच की दूरी को बंद कर दिया कोई भी विनाश भाला जो ड्रैगन के पास आया या तो उसके तराजू को पार कर गया या बुलाए गए प्राणी ने उसे एक पंजे से मार दिया वे वास्तव में डिवाइन मैजिक ड्रैगन को नहीं मार सके यदि कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो वे यह भी मान सकते हैं कि विनाश भाले सक्रिय रूप से ड्रैगन से बच गए थे बहता हुआ जल क्षेत्र ब्लू जेड मदद नहीं कर सकती थी लेकिन अपनी आंखों को रगड़ती थी क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य को देख रही थी इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी हालांकि उसने स्थिति को चाहे जिस तरह से देखा हो डिवाइन मैजिक ड्रैगन का मुकाबला मानक निश्चित रूप से बहते पानी के दायरे में था भाले के उन सभी हमलों को रोकने का कोई और तरीका नहीं था हालांकि स्थिति ने उसे भ्रमित भी कर दिया अथर्व ने कैसे किया इतना कारनामा ऐसा कुछ कैसे संभव हो सकता है वे यहां एक संबंधित प्राणी को नियंत्रित करने की बात कर रहे थे ब्लू जेड अकेला नहीं था जो चौंक गया था आदिन दैवीय खंडहर के कई विशेषज्ञ इसी तरह स्तब्ध थे अथर्व के व्यक्तिगत युद्ध मानक को छोड़कर बुलाए गए जीवों पर उसका नियंत्रण निश्चित रूप से भगवान के डोमेन के शीर्ष पर रैंक कर सकता है तो क्या यह सत्य के दायरे का सच्चा लाभ है अथर्व जिसने निर्मम विनाश भाले से बच निकला पहली बार सत्य के लोगों की वास्तविक शक्ति को महसूस किया शुद्धिकरण के क्षेत्र के विपरीत सत्य के क्षेत्र में पांच इंद्रियों के बजाय किसी के शरीर की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया इसलिए डिवाइन मैजिक ड्रैगन को नियंत्रित करते समय भी सत्य के लोगों में उनका प्रदर्शन उद्गम क्षेत्र तक पहुंच गया था थोड़े समय के लिए अनथीन भाले के हमलों को रोकने के बाद डिवाइन मैजिक ड्रैगन अथर्व नियंत्रित डायरो के सामने पहुंचा अथर्व ने तब एनपीसी में प्राणी को तलब किया था हालांकि डायरो अभी भी एक माइथिक एनपीसी था और उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी इससे पहले कि विशाल पंजा उस तक पहुंच पाता उसने एडवांस्ड इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का इस्तेमाल किया और अपने मूल स्थान से एक गज की दूरी पर दिखाई दिया हालांकि एनपीसी को सांस लेने का समय नहीं देना चाहते थे अथर्व एक बार फिर आगे बढ़े अचानक डायरो एक नुकसान में था और उसके पास शारीरिक रूप से अथर्व के हमलों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था भागते समय डायरो ने मंत्रों का जाप करना जारी रखा और दैवीय रन लिखे हालांकि अथर्व को पता था कि एनपीसी क्या कर रहा है लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका पांच सेकंड दस सेकंड बीस सेकंड 24 सेकंड के लिए जब करने के बाद डायरो अचानक रुक गया और उसके सामने दिव्य जादू ड्रैगन पर उपहास किया शाश्वत अंधकार में गिरो अपने दाहिने हाथ में डंडा घुमाने से पहले डायरो चिल्लाया अचानक आकाश में अंधेरा छा गया और दिव्य जादू ड्रैगन के चारों ओर छत्तीस विशाल जादुई सरणियां दिखाई दी पिचकाली जंजीरों ने ड्रैगन को बांधते हुए जादू की सरणियों से उभरा तब जंजीरों ने डिवाइन मैजिक ड्रैगन को एक विशाल पिचकाली गेंद में बांध दिया टीयर चार अभिशाप अंधेरी जेल हालांकि डिवाइन मैजिक ड्रैगन शक्तिशाली था एक राक्षस भी नहीं अगर इसकी क्षमता टीयर चार श्राप के प्रतिबंधों से मुक्त संघर्ष करने में सक्षम होगी आखिरकार एक टीयर चार श्राप में टीयर पांच मंत्रों को टक्कर देने की शक्ति थी बकवास द डिवाइन मैजिक ड्रैगन को बांध दिया गया है शेडो स्वॉर्ड की अभिव्यक्ति तब गहरी हो गई जब उसने डायरो को टीयर चार कर्स डालने के बाद जीरो विन के रक्षात्मक जादू सरणी की ओर उड़ते देखा हालांकि आंदोलन प्रकार की रक्षात्मक जादू सरणी मजबूत थी यह टीयर चार एनपीसी से कुछ ही हिट्स तक चलेगी इसके अलावा राक्षसों के विपरीत डायरो जैसे जादुई वर्ग एनपीसी को जादू सरणियों की तीव्र समझ होगी एक रक्षात्मक जादू सरणी के माध्यम से तोड़ना डायरो के लिए बच्चों का खेल होगा एक बार रक्षात्मक जादू की सरणी समाप्त हो जाने के बाद शेष इविल दानव और इविल बीस्ट जीरो विंग की सेना का कई बार सफाया करने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे भले ही डायरो शामिल न हो ब्लैक फ्लेम आपका समय समाप्त हो गया है बीस्ट एम्परर ने एक विजय मुस्कुराहट प्रकट की क्योंकि उसने डायरो को जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी के करीब जाते देखा वह थोड़ा चिंतित था कि डायरो को संभालने के लिए डिवाइन मैजिक ड्रैगन बहुत अधिक होगा लेकिन दिन के अंत में एक टीयर चार एनपीसी अभी भी एक टीयर चार एनपीसी था हालांकि डायरो का सीधे टकराव में डिवाइन मैजिक ड्रैगन के लिए कोई मुकाबला नहीं था लेकिन उसे थोड़े समय के लिए इसे बांधने में कोई परेशानी नहीं होगी डायरो के लिए टीयर दो खिलाड़ियों के एक समूह का सफाया करने के लिए पर्याप्त है इसने जीरो विंग के सदस्यों को रक्षात्मक जादू सरणी में परेशान कर दिया कहीं और दो मिथिक एविल बीस्ट्स फ्लाइंग शैडो के डिवाइन मैजिक ड्रैगन को पार करने में कामयाब रहे दो मिथिक ईविल बीस्ट्स ने डायरो के साथ समन्वय किया यह स्पष्ट था कि उन्होंने एक ही हमले के साथ रक्षात्मक जादू सरणी को तोड़ने की योजना बनाई थी देखने वाले खिलाड़ी पहले से ही तीन टीयर चार के अस्तित्व के संयुक्त हमले के तहत रक्षात्मक जादू सरणी को बिखरते हुए देख सकते थे जब डायरो और दो मिथिक ईविल बीस्ट जीरो विंग के सदस्यों के चारों ओर बाधा से एक सौ गज से कम दूर थे ऐसा लगता है कि जीरो विन इस बार बर्बाद हो गया है शांत मेलोडी ने आ भरते हुए कहा हालांकि यह लड़ाई काफी करीबी थी फिर भी जीरो विन पर्याप्त मजबूत नहीं थी उसने कभी नहीं सोचा था कि न केवल बीस एम्पर टीयर चार एनपीसी को उसके लिए कार्रवाई करने के लिए राजी करेगा बल्कि यह कि एनपीसी इतने सारे टीयर चार शापों का भी इस्तेमाल करेगा तो क्या यह टीयर चार एनपीसी की असली ताकत है डायरो और टू इविल अर्थ ड्रैगन्स को पास आते देखने के बावजूद अथर्व ने डर या निराशा के कोई लक्षण प्रकट नहीं किए इसके बजाय उसने जल्दी से शेडो स्वॉर्ड को डिवाइन मैजिक ड्रैगन का नियंत्रण दे दिया क्योंकि उसने टीयर चार डोमेन स्क्रॉल को निकाल लिया था जो उसने अत्याचारी की आत्मा को मारने के बाद प्राप्त किया था जब उन्होंने टीयर चार डोमेन स्क्रॉल को सक्रिय किया तो एक नीली रोशनी उनसे दूर जा गिरी जो एक शून्य 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 गज के दायरे तक फैली हुई थी अचानक डोमेन स्किल की सीमा के भीतर सभी दुश्मनों को दबा दिया गया इस वजह से डायरो जो पहले से ही डिवाइन मैजिक ड्रैगन के डोमेन स्किल से दबा हुआ था ने और भी अधिक गुण और प्रतिक्रिया की गति खो दी अब उसके पास अपने मूल मूलभूत गुणों का केवल 80 परसेंट था डायरो जैसे पीआरचार एनपीसी के खिलाफ टीआरचार डोमेन स्क्रॉल के प्रभाव काफ़ी आश्चर्यजनक थे दुर्भाग्य से डायरो अभी भी खिलाड़ियों के लिए अजय था डोमेन स्क्रॉल को सक्रिय करने के बाद अथर्व ने अपने बैग से एक सम्मान गार्ड स्क्रॉल निकाला और अन्ना को बुलाया गिल्ड लीडर अपने पर्सनल गार्ड को क्यों बुला रहा है एना को युद्ध के मैदान में शामिल होते देख एक बार रोज़ जेंटल्सनो और जीरो विंग के अन्य सदस्य भ्रमित हो गए वे अन्ना के लिए अजनबी नहीं थे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके पास खेल में देखे गए किसी भी पर्सनल गार्ड की तुलना में सबसे भयानक विकास क्षमता थी आमने सामने की लड़ाई में वह उच्च स्तर के विरोधियों को भी हरा सकती थी हालांकि अन्ना केवल टेयर दो एनपीसी था भले ही डायरो के गुणों और प्रतिक्रिया की गति को दबा दिया गया हो फिर भी अन्ना के पास उसे नीचे गिराने की कोई उम्मीद नहीं थी ने अथर्व की पवित्रता पर संदेह किया अथर्व ने अपने बैग से एक लाल औषधि निकाली और अन्ना को सौंप दी औषधि प्राप्त करने के बाद एना ने बोतल का ढक्कन हटा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी गई भगवान के क्षेत्र में केवल खिलाड़ी ही औषधि का उपयोग नहीं कर सकते थे एनपीसी भी कर सकते थे क्रिमसन पोषण कोई और नहीं बल्कि बैफोमेट को मारने के बाद प्राप्त ग्रैंड मास्टर रैंक ग्रोथ पोषण अथर्व था जब सेवन किया जाता है तो औषधि उपयोगकर्ता को जबरदस्ती एक स्तर ऊपर उठा देती है इस औषधि का सेवन करने के बाद अन्ना के शरीर में परिवर्तन आने लगा आसपास का परिवेश मन उसमें भर आया और जैसा कि हुआ सुनहरी दैवीय दौड़ अन्ना के शरीर को सजाने लगी जिससे उसकी उपस्थिति में पवित्रता और सुंदरता का एक संकेत जुड़ गया अन्ना की आभा में भी स्वर्ग को चुनौती देने वाला परिवर्तन आया था यदि उसकी पिछली आभा बहते पानी की तरह थी तो उसकी नई आभा अंथीन सागर की तरह महसूस हुई अगर कोई बारीकी से ध्यान देता है तो वे देखेंगे कि अन्ना अब टीयर दो एनपीसी नहीं था बल्कि एक प्रामाणिक टियर तीन एनपीसी था यह कैसे संभव है यहां तक की विभिन्न प्रमुख शक्तियों और बीस्ट सम्राट ने भी अन्ना के परिवर्तन पर ध्यान दिया था जीरो विंग के सदस्यों की तो बात ही छोड़ दें आखिरकार टीयर दो एनपीसी से टीयर तीन तक उसके उदय ने काफी हंगामा किया था ठीक है दूसरा दौर शुरू करते हैं डायरो के पास आते देख अथर्व मुसुराया एक टीयर तीन पर्सनल गार्ड इविल गॉड्स ब्रांच टेम्पल में एक क्रिस्टल बॉल के माध्यम से युद्ध को देखने वाले बीस्ट सम्राट को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब अन्ना अथर्व के साथ दिखाई दिया हालांकि उनका आश्चर्य जल्दी ही एक उपहास में बदल गया क्योंकि उन्होंने कहा क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि एक मामूली टीयर तीन पर्सनल गार्ड एक टीयर चार एनपीसी को रोक सकता है सीधे शब्दों में कहें तो पर्सनल गार्ड्स को गॉड्स डोमेन में एनपीसी नियुक्त किया गया था हालांकि चूंकि उन्हें एक अनुबंध के माध्यम से बढ़ाया गया था पर्सनल गार्ड्स के मूल गुण समान स्तर के सामान्य एनपीसी से थोड़े अधिक थे हालांकि अन्ना को टीयर तीन में पदोन्नत किया गया था लेकिन वह अन्य टीयर तीन एनपीसी की तुलना में केवल थोड़ी ही मजबूत थी वह मौजूदा खिलाड़ियों के खिलाफ अजय हो सकती है लेकिन वह अभी भी टीयर चार के अस्तित्व से मुकाबला करने में सक्षम थी इस बीच जब समान स्तर के साधारण पौराणिक राक्षसों पर टीयर चार कर्स डार्क प्रिजन का उपयोग किया गया तो यह राक्षस को कम से कम एक घंटे के लिए फंसा सकता था हालांकि डिवाइन मैजिक ड्रैगन बेहद शक्तिशाली था बीस्ट सम्राट ने अनुमान लगाया कि डार्क जेल को इसे कम से कम बीस मिनट तक रोकना चाहिए हालांकि उस समय के दौरान सीलबंद राक्षस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था लेकिन यह भी कुछ नहीं कर सका इस बीच टीयर चार एनपीसी जैसे डायरों को विचलित करने के लिए टीयर तीन पर्सनल गार्ड पर भरोसा करना एक मज़ाक था बीस्ट सम्राट ऐसा सोचने वाला अकेला नहीं था प्रिमोडियल डिवाइन रूइन में हर खिलाड़ी भावना से सहमत था हालांकि केवल एक टीयर ने टीयर तीन और चार को अलग किया लेकिन प्रत्येक बाद के टीयर के साथ टीयर की ताकत के बीच का अंतर बढ़ गया टीयर चार एनपीसी के सामने टीयर तीन एनपीसी समय खरीदने के योग्य भी नहीं था जैसे ही डायरो और दो लेवल अस्सी इविल अर्थ ड्रैगन्स करीब आए एना ने जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी के भीतर से एक मंत्र जाप करना शुरू कर दिया अपने बाएं हाथ से उसने तेजी से हवा में दिव्य दौड़ की रेखा के बाद रेखा खींची कुछ ही समय बाद एना के पास दो विशाल जादुई सरणी एक सफ़ेद और एक काली दिखाई दी परिवेश मंतब सरणियों की ओर प्रवाहित होने लगा और जीरो विंग के सदस्य महसूस कर सकते थे कि उनके चारों ओर मन घनत्व कई गुना बढ़ गया है डबल स्पीड कास्टिंग वह पर्सनल गार्ड काफी अच्छा है वह वास्तव में डबल स्पीड कास्ट करना जानती है यह अफसोस की बात है कि वह आज यहां मरने जा रही है जब विभिन्न प्रमुख शक्तियों के ऊपरी सोपानों ने अन्ना को डबल स्पीड कास्ट देखा तो ईर्ष्या ने उनके दिलों को जकड़ लिया जबकि एनपीसी वास्तव में शक्तिशाली थे उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर थे डबल कास्टिंग में सक्षम जादुई श्रेणी के एनपीसी पहले से ही बेहद दुर्लभ थे न कि डबल स्पीड कास्टिंग में सक्षम एनपीसी का उल्लेख करने के लिए यही कारण था कि उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डायरो डबल स्पीड कास्ट और सप्लीमेंट्री कास्ट दोनों कर सकता है यदि एक पर्सनल गार्ड इन तकनीकों को समझ लेता है तो उच्च स्तर पर पहुंचने पर उन्हें अन्य एनपीसी पर लाभ होगा उदाहरण के लिए डायरो को लें डायरो स्पष्ट रूप से अथर्व के नियंत्रण में डिवाइन मैजिक ड्रैगन के लिए कोई मुकाबला नहीं होने के बावजूद एनपीसी डिवाइन मैजिक ड्रैगन के हमलों को कम करने और यहां तक कि उसे फंसाने के लिए अपनी तकनीकों पर भरोसा कर सकता है जैसा कि तमाशबीन भीड़ ने इस तरह की बातों पर विचार किया प्रकाश के दो स्तंभ दो विशाल जादू सरणियों से उठे प्रत्येक ने रंग ले लिया अगर वह सरणी से उभरा अगले ही पल दो प्रकाश स्तंभों में से प्रत्येक में से तीन बुलाए गए जीव बाहर निकल आए चांदी के कवच में तीन शूरवीर सफेद प्रकाश स्तंभ से निकले थे जिनमें से प्रत्येक ने अपने दाहिने हाथों में एक चांदी की तलवार और एक ढाल जो उनके बाएं हाथ में आसानी से दर्पण के रूप में काम कर सकती थी नाइट ऑफ लाइट प्राथमिक प्राणी ग्रैंड लॉर्ड सर अस्सी एचपी साठ शून्य 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 साठ शून्य 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 इस बीच गहरे काले वस्त्रों में तीन जादूगर काले प्रकाश स्तंभ से बाहर निकल आए प्रत्येक दाना एक कर्मचारी को ले जाता था जो काली धुंध में डूबा हुआ था सीढ़ियों के शीर्ष में जड़े हुए क्रिस्टल ने चार अलग अलग रंगों को विकीर्ण किया अंधेरे का दूत प्राथमिक प्राणी ग्रैंड लॉर्ड स्तर अस्सी एचपी पैंतालीस शून्य 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 पैंतालीस शून्य 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 टीयर तीन स्पेल लाइट समन टीयर तीन स्पेल डार्कनेस समनिंग यदि खिलाड़ी ग्रैंडमास्टर रैंक वाले ग्रोथ पोर्शन का उपयोग करते हैं तो वे केवल एक स्तर तक बढ़ेंगे लेकिन यदि कोई एनपीसी पोर्शन का उपयोग करता है तो यह एक अलग कहानी होगी एना के टियर तीन में जाने के बाद उसने टियर तीन के सभी मंत्र सीख लिए थे जिन्हें वह वास्तव में टियर तीन में पदोन्नत होने के बाद जान पाएगी इसलिए अभी वह टीयर तीन अस्तित्व की प्रामाणिक थी ग्रोथ पोर्शन का एकमात्र दोष इसकी पंद्रह मिनट की छोटी अवधि थी एक बार औषधि की अवधि समाप्त हो जाने पर एना अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी इसलिए अतीत में खिलाड़ियों ने केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही इन औषधियों का उपयोग किया था गिल्ड युद्धों या घेराबंदी की लड़ाई में उन्हें ट्रंप कार्ड की तरह नहीं माना जा सकता था कितना शक्तिशाली पर्सनल गार्ड है जैसे ही छह लेवल अस्सी ग्रैंड लॉर्ड्स अन्ना के बगल में दिखाई दिए तमाशबीन भीड़ में सन्नाटा छा गया किसी ने नहीं सोचा था कि अन्ना वास्तव में एक ही स्तर के छह ग्रैंड लॉर्ड्स को बुलाने के लिए काफी मजबूत हैं इसके साथ वह मूल रूप से टीयर तीन अस्तित्वों के बीच अजय थी इससे पहले की तमाशबीन भीड़ अपने झटके से उबर पाती अन्ना ने नाइट्स ऑफ लाइट और एनवायस ऑफ डार्कनेस को नियंत्रित किया और रक्षात्मक जादू सरणी से बाहर निकलने और डायरो और दो मिथिक ईविल बीस्ट्स पर हमला किया अगले ही क्षण नाइट्स ऑफ लाइट गायब हो गया अपने मिथिक रैंक वाले लक्ष्यों के आसपास तुरंत प्रकट हो गया एक बार शूरवीरों ने त्रिकोणीय गठन में अपने विरोधियों को घेर लिया तो उन्होंने उनके सामने अपनी ढालें उठा लीं अचानक प्रत्येक नाइट्स के नीचे प्रकाश की एक जादुई सरणी प्रकट हुई जो एक दूसरे के साथ जुड़कर प्रकाश का एक प्रिज्म बनाती है जिसने डायरो और मिथिक ईविल बीस्ट्स को फंसाया तुरंत डायरो और ईविल बीस्ट्स के मूल गुण एक बार फिर गिर गए अब तीन पौराणिक अस्तित्वों ने अपने मूल गुणों का केवल साठ परसेंट ही बरकरार रखा है इसके अलावा जब तक वे नाइट्स ऑफ लाइट को नहीं मार देते तब तक वे जादू की बाधा से मुक्त नहीं हो सकते जब तक प्रकाश के शूरवीर समाप्त हो गए थे तब तक अंधेरे के दूतों ने भी अपने मंत्रों के मंत्रों को पूरा कर लिया था बैरियर के भीतर पिचकाली धुंध जमीन से उठने लगी डायरो और एविल अर्थ ड्रैगन्स को बांध दिया हालांकि धुंध ने तीन पौराणिक अस्तित्वों के मूल गुणों को कम से कम कम नहीं किया इसने उनकी प्रतिक्रिया की गति और गति को पचास परसेंट तक कम कर दिया जब तक नाइट्स ऑफ लाइट और एन ऑफ डार्कनेस ने डायरो और मिथिक एविल बिस्ट को और दबा दिया था तब तक एना ने अपने मंत्र के अंतिम छंद का जाप पूरा कर लिया था टियर चार्स स्पेल यिन यांग साइकिल उसके आदेश के तहत आकाश में एक दोहरे रंग की जादुई सरणी दिखाई दी और छत्तीस विशाल तलवारें उभरी जिनमें से अठारह एक चांदी स्फेद थी जबकि अन्य अठारह एक रसातल काली थी ये छत्तीस तलवारें तब डायरो और दो ईविल अर्थ ड्रैगन्स पर उतरी आने वाली तलवारों को देखने के बावजूद दो मिथिक ईविल बीस्ट्स ने हथियारों को चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया इसके बजाय उन्होंने आने वाले हमलों पर अपने पंजे घुमाए हालांकि जिस क्षण एविल बीस्ट का एक पंजा चांदी की तलवार से मिला प्रभाव ने उसके पंजे को पीछे की ओर धकेल दिया जिससे उसका हाथ एक अजीब कोण पर झुक गया जब दूसरे एविल बीस्ट ने एक काली तलवार को छुआ तो तलवार उसके पंजों से होकर गुजरी और एविल अर्थ ड्रैगन से टकराई जिससे एक शून्य 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 से अधिक का नुकसान हुआ जैसे ही छत्तीस तलवारें गिरी एक के बाद एक दो मिथिक ईविल बीस्ट दर्द से चीख उठे और उनके एचपी गिर गए हालांकि दो दुष्ट जानवर बचना चाहते थे लेकिन गिरती हुई तलवारों ने उन्हें जगह बना दी स्वाभाविक रूप से डायरो ने इनमें से किसी भी तलवार को रोकने की हिम्मत नहीं की बल्कि उसने हमलों से बचने में मदद करने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल किया नाइट्स ऑफ लाइट पर हमला करने के लिए उनके पास कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी जीरो विंग की रक्षात्मक जादू सरणी पर हमला करने के लिए बहुत कम इस बमबारी के दस सेकंड के बाद भी डायरो और दो इविल अर्थ ड्रैगन्स अभी भी अन्ना के हमले से खुद को मुक्त नहीं कर सके न केवल वे जीरो विंग के रक्षात्मक जादू सरणी पर एक भी हिट लगाने में विफल रहे बल्कि दो एविल अर्थ ड्रैगन्स के एचपी भी घटते रहे क्या मेरी आंखें मुझ पर चाल चल रही हैं क्या वह महिला वास्तव में टियर तीन पर्सनल गार्ड है सभी ने डायरो और मिथिक ईविल बीस्ट्स को हैरान कर देने वाले भावों के साथ संघर्ष करते हुए देखा हालांकि अथर्व के डोमेन स्क्रॉल ने डायरो और इविल बिस्ट्स को दबा दिया था उनकी युद्धक शक्तियों को काफी कम कर दिया था एक मात्र टीयर तीन एनपीसी को उनके खिलाफ खुद से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी फिर भी अथर्व के पर्सनल गार्ड ने सफलतापूर्वक अकेले उनका सामना किया मजबूत शब्द के अलावा देखने वाली भीड़ के पास अन्ना का वर्णन करने का कोई अन्य तरीका नहीं था अन्ना के अकेले खड़े होने के बावजूद उनके कौशल ने उन्हें एनपीसी की एक टीम की तरह बना दिया तो यह एक एपिक पर्सनल गार्ड की ताकत है अथर्व अन्ना को डायरो और दो इविल बीस्ट्स को अभिभूत करते हुए देखकर चौंक गया था उसने कभी नहीं सोचा था कि अन्ना वास्तव में टीयर तीन में टीयर चार के अस्तित्व के खिलाफ जा सकता है अन्ना के लगातार हस्तक्षेप के साथ एक मिनट से अधिक समय के बाद भी डायरो नाइट्स ऑफ लाइट पर हमला नहीं कर सका वास्तव में टीयर चार एनपीसी का एचपी भी कम होना शुरू हो गया था क्योंकि वह अन्ना और एन ऑफ डार्कनेस के हमलों का मुकाबला करने में विफल रहा जैसे ही उसने देखा बीस्ट एम्परर की आंखें लाल हो गईं। हालांकि वह अभी भी इस स्थिति के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थे अन्ना ने जिस औषधि का सेवन किया था वह कितनी शक्तिशाली थी औषधि का प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए एक बार औषधि का प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद अन्ना के पास डायरो पर कोई शक्ति नहीं होगी एक मिनट तीन मिनट पांच मिनट हालांकि सभी की अपेक्षाओं के विपरीत अन्ना पूरी लड़ाई के दौरान शक्तिशाली बने रहे उसने कम से कम कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया फॉरबिडन डोमेन का कूलडाउन cool समाप्त होने के बाद अथर्व ने कौशल को बिना किसी हिचकिचाहट के डायरो की डार्क प्रिजन पर डाल दिया पिचकाली जंजीरों की विशाल गेंद तुरंत बिखर गई गेंद के चारों ओर की छत्तीस ब्लैक मैजिक सरणिया भी गायब हो गई एक बार फंसे हुए डिवाइन मैजिक ड्रैगन ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली इसने डायरो के खिलाफ अपने हमले फिर से शुरू कर दिए द डिवाइन मैजिक ड्रैगन के पास पहले से ही टीयर चार एनपीसी की तुलना में उच्च गुण थे लेकिन अथर्व द्वारा अपने टीयर चार डोमेन स्क्रॉल और नाइट्स ऑफ लाइट के प्रिज्म ऑफ लाइट के साथ डायरो को दबाने के बाद डायरो उसी स्तर के ग्रैंड लॉर्ड्स से थोड़ा ही मजबूत था परिणाम स्वरूप डिवाइन मैजिक ड्रैगन और डायरो के बीच का अंतर और भी स्पष्ट हो गया इसके अलावा अथर्व के निषिद्ध डोमेन ने डार्क विजार्ड को भी प्रभावित किया था और वह अपने किसी भी मंत्र का उपयोग नहीं कर सका फंसे हुए डिवाइन मैजिक ड्रैगन को मुक्त करने के बाद अथर्व ने फिर से शैडोस वार्ड के साथ स्थानों को बदल दिया और अपने पंजे के साथ डायरो पर स्वाइप करने के लिए बुलाए गए प्राणी को नियंत्रित किया बूम! चूंकि माइथिक एनपीसी अपने किसी भी मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता था इसलिए उसे हमले को रोकने के लिए अपने शारीरिक कौशल पर निर्भर रहना पड़ा हालांकि भले ही उसने अपने कर्मचारियों के साथ हमले को रोक दिया था डायरो के मूल गुण डिवाइन मैजिक ड्रैगन की तुलना में बहुत कम थे परिणामस्वरूप उसने अभी भी हमले का पूरा खामियाजा उठाया और दो शून्य 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 से अधिक की क्षति प्राप्त की डायरों के लिए जिसकी अधिकतम एचपी अभी केवल साठ शून्य 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 थी उस झटके ने उसके एचपी का एक तिहाई हिस्सा ले लिया था डायरों की लाचारी का फायदा उठाते हुए एना ने डिवाइन मैजिक ड्रैगन के हमले का टीयर चार स्पेल के साथ पीछा किया जिससे साइलेंट एनपीसी को सात शून्य 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 से अधिक का नुकसान हुआ जबकि साठ शून्य 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 एचपी खिलाड़ियों को बहुत अधिक लग सकता है डिवाइन मैजिक ड्रैगन और अन्ना के लिए इतना एचपी कुछ भी नहीं था छह सेकंड के लगातार संघर्ष के बाद डायरो ने अंत साइलेंस्ड डिबफ को हटा दिया हालांकि इस बिंदु तक उनके पास केवल एक तिहाई एचपी शेष था मामले को बदतर बनाने के लिए हालांकि डायरो फिर से शक्तिशाली मंत्रों के साथ अपना बचाव कर सकता था अपने और मैजिक डिवाइन ड्रैगन के बीच गुणों में भारी अंतर मंत्र की पहुंच से परे था नतीजतंत दुश्मन ड्रैगन बार बार अपने बचाव से टूट गया और उसका एचपी स्पष्ट रूप से कम हो गया अंत में जब एना के ग्रोथ पोषण पर एक मिनट से भी कम समय बचा था डायरो का एचपी शून्य पर पहुंच गया एनपीसी के बुजुर्ग तब हताशा और अनिच्छा के चेहरे के साथ जमीन पर गिर गए जैसे ही डायरो की मृत्यु हुई डार्क ग्रे इविल एनर्जी प्राइमर्डियल डिवाइन रोइन के ऊपर आकाश को खा रही थी धरती एक बार फिर सूरज की तेज किरणों में नहा उठी जीरो विंग की कई सेना अचानक स्तर पर आ गई क्योंकि टीयर चार एनपीसी ने किसी भी सामान्य पौराणिक राक्षस की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में स्प प्रदान किया पौराणिक राक्षसों के विपरीत एनपीसी ने केवल दो वस्तुओं को गिरा दिया जब उनकी मृत्यु हो गई थी इन दो वस्तुओं के प्रकट होने के बाद बूढ़े व्यक्ति के शरीर के आसपास की दुष्ट ऊर्जा शीघ्रता से समाप्त हो गई और कुछ ही समय बाद उसका शरीर राख में परिवर्तित हो गया जो हवा के साथ बिखर गया उसकी मृत्यु हो गई एक टीयर चार एनपीसी को ऐसे ही मार दिया गया था रिमोरियल डिवाइन रुएन में हर कोई डायरो की सड़ती हुई लाश को पूरी तरह से अविश्वास में देखता था इतने लंबे समय तक गॉड्स डोमेन खेलने के बाद हर कोई टीयर चार एनपीसी की ताकत से भयानक रूप से परिचित था वे पावरहाउस थे जो एनपीसी के प्रमुख शहरों की रक्षा और शासन कर सकते थे वे निश्चित रूप से मौजूदा खिलाड़ियों के लिए अजय थे फिर भी खिलाड़ियों ने ऐसे ही एक एनपीसी को मार डाला था इस स्थिति ने भगवान के डोमेन के बारे में उनके द्वारा सोची गई हर चीज को उलट दिया था यह कैसे संभव है वह एक टेयर चार डार्क विजार्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इविल गॉड्स ब्रांच टेम्पल में विशाल क्रिस्टल बॉल के माध्यम से डायरो की लाश को घूरते हुए बीस्ट सम्राट का चेहरा मुड़ गया उसने डायरो को लड़ाई में भाग लेने के लिए अपने लगभग सभी इविल गॉड्स टेम्पल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च किए थे जीरो विंग से छुटकारा पाने के अलावा वह विभिन्न महाशक्तियों को चेतावनी भी देना चाहता था वह चाहता था कि सभी को पता चले कि ओआरसी साम्राज्य उसका क्षेत्र था फिर भी उसके मुख्य और पार्श्व दोनों उद्देश्य विफल हो गए थे युद्ध के मैदान में वापस विभिन्न प्रमुख शक्तियों और साहसी टीमों के खिलाड़ी केवल डायरो की मौत से सदमे में नहीं थे यहां तक कि जीरो विंग के सदस्य भी एनपीसी के शव को हक्का बक्का करके देखते रहे क्या हम सफल हुए एक बार रोज बुदबुदाया जो अभी अभी हुआ था उसे पाकर विश्वास करना थोड़ा कठिन था आराम करना वह मर चुका है हालांकि टीयर चार एनपीसी शक्तिशाली हैं वे अजय नहीं हैं सभी दुष्ट राक्षसों और दुष्ट जानवरों को मारना जारी रखें लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है अथर्व ने हंसते हुए कहा छाया तलवार ड्रैगन पर नियंत्रण वापस ले आओ जबकि टीआरचार एनपीसी बहुत शक्तिशाली थे वे दुर्गम नहीं थे जैसे जैसे खिलाड़ी उच्च स्तर पर पहुंचे और अधिक ताकत हासिल की कुछ स्तर 200 सौ टीआरचार एनपीसी भी निकाल लेंगे जो प्रमुख एनपीसी शहरों की रक्षा करते हैं अकेले स्तर 80 अस्सी टीआरचार एनपीसी को छोड़ दें समझा शेडोस वार्ड उसकी चकाचौंध से बाहर निकला और सिर हिलाया एक बार शेडो स्वाड ने नियंत्रण वापस ले लिया अथर्व ने गेल डोमेन को सक्रिय कर दिया जैसे ही वह डायरो की राख की ओर धराशायी हो गया डायरो जैसे एनपीसी ने शायद ही कभी लूट को छोड़ा यही वजह है कि खिलाड़ी आमतौर पर गॉड्स डोमेन के एनपीसी को मारने में दिलचस्पी नहीं रखते थे खिलाड़ियों का मुकाबला करने के लिए न केवल एनपीसीज बनाए गए थे बल्कि मरने के बाद भी उन्होंने ज्यादा लूट नहीं की आमतौर पर खिलाड़ी इस तरह के धन्यवादहीन कार्य से परेशान नहीं होंगे जब तक कि उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो शहरों की रक्षा करने वाले टीयर चार एनपीसीज के लिए उन्होंने लूट को लगभग कभी नहीं छोड़ा और शहर की जादुई श्रृंखलाओं के कारण ये एनपीसीज और भी अधिक लड़ाकू शक्ति का आदेश देंगी मामले को बदतर बनाने के लिए यदि खिलाड़ी किसी शहर के रक्षक को मार देते हैं तो शहर का राज्य या साम्राज्य उनके सिर पर इनाम रख देगा यदि खिलाड़ियों के पास काम करने का दिमाग होता तो वे बिना किसी अच्छे कारण के एनपीसी शहर के टीयर चार एनपीसी को उकसाते नहीं हालांकि दुर्लभ घटना में ऐसे एनपीसीज ने लूट को छोड़ दिया आइटम निश्चित रूप से शीर्ष स्तरीय होंगे हालांकि अथर्व को युद्ध के मैदान में दुष्ट जानवरों और राक्षसों के कारण दायरों की लूट को चुराने वाले किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी उसने सोचा कि खेद के बजाय सुरक्षित रहना सबसे अच्छा होगा यदि कुछ आत्मघाती खिलाड़ियों ने इसे जाने देने का फ़ैसला किया तो लूट को पुनः प्राप्त करना मुश्किल होगा दो इविल अर्थ ड्रैगन्स अभी भी नाइट्स ऑफ लाइट के प्रिज्म ऑफ लाइट में फंसे हुए थे और अन्ना और डिवाइन मैजिक ड्रैगन ने उन्हें अच्छी तरह से पकड़ लिया था इसने अथर्व को डायरो की आंशिक रूप से विघटित लाश तक आसानी से पहुंचने की अनुमति दी एनपीसी द्वारा गिराई गई दो वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के बाद वह तुरंत मुड़ा और रक्षात्मक जादू सरणी में वापस भाग गया जब प्रमुख शक्तियों के खिलाड़ियों ने यह देखा तो उनकी आंखें एशिया से लाल हो गईं वह टेयर चार एनपीसी की लूट थी यहां तक कि अगर उन्हें नहीं पता था कि आइटम वास्तव में क्या थे तो डायरो कितना शक्तिशाली था उन वस्तुओं के असाधारण होने की गारंटी थी हालांकि हालांकि वे ईशियालु थे उनमें से किसी ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की चाहे उनके बाद डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स हो या अन्ना के स्तर के अस्सी नाइट्स ऑफ लाइट और एंड वॉयज ऑफ डार्कनेस ये सभी प्राणी हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थे यहां तक कि अगर वे युद्ध के मैदान में लूट को चुराने का आरोप लगाते हैं तो वे इन राक्षसों की हत्यागणना में आसानी से जोड़ देंगे इस बीच जब विभिन्न महाशक्तियों के ऊपरी सोपानों ने दो डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स की लड़ाई देखी तो ईशिया ने उनके दिलों को जकड़ लिया यदि जीरो विंग अधिक डिवाइन मैजिक ड्रेगन को बुला सकता है तो ऑक साम्राज्य में कोई भी गिल्ड को नहीं हरा सकता है बीस्ट सम्राट को भी नहीं हालांकि उन्होंने यह भी महसूस किया कि भले ही जीरो विंग इनमें से अधिक ड्रेगन को समन कर सकता है उसे केवल सीमित संख्या में ही ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए यह भी संभव था कि जीरो विंग में केवल ये दो सम्मानित सरणियां थीं अन्यथा अन्ना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक दुर्लभ औषधि देने के बजाय गिल्ड डायरो को बाहर निकालने के लिए तीसरे दिव्य जादू ड्रैगन को बुला सकता था एक दिव्य जादू ड्रैगन की तुलना में एक पोषण जो एक व्यक्तिगत गार्ड को एक स्तर तक बढ़ा सकता है कहीं अधिक मूल्यवान था इनमें से प्रत्येक ड्रैगन को अट्ठासी समन्स की आवश्यकता थी जिन्हें हर समय संरक्षित किया जाना था दूसरी ओर अन्ना ने जिस औषधि का सेवन किया था उसे ऐसे चुनौतीपूर्ण प्रतिबंधों के बिना ले जाया और इस्तेमाल किया जा सकता था बेशक यह सिर्फ एक धारणा थी मामले की सटीक सच्चाई जानने के लिए उन्हें जीरो विंग में अपने जासूसों के माध्यम से धीरे धीरे स्थिति की जांच करनी होगी लेकिन यह कहना सुरक्षित था कि आज के बाद कोई भी आदिम ईश्वरीय खंडहर में जीरो विंग को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा जब अथर्व रक्षात्मक जादू सरणी में वापस आया तो उसने जीरो विंग की सेना को आदेश देना जारी रखा क्योंकि उन्होंने दुष्ट जानवरों और राक्षसों का वध किया था जब उन्होंने दो मिथिक ईविल बीस्ट्स और तीस हजार से अधिक निचले रैंक वाले ईविल बीस्ट्स और एविल डेम्स को मार डाला तो बीस्ट सम्राट ने हार मान ली और प्रिमोडियल डिवाइन रूविन से अपने मंत्रियों को वापस बुला लिया यहां तक कि बीस्ट एम्परर भी जीरो विंग के सामने बेबस है फॉलिंग फायर जिसने मैजिक मिरर के साथ एक सुरक्षित दूरी से लड़ाई देखी इस परिणाम को देखते ही उसकी भौहें तन गईं बीस्ट सम्राट द्वारा जीरो विंग की सेना को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसने ब्लैकवाटर की सेना को वापस बर्बाद करने की योजना बनाई थी लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी योजना अब व्यवहार्य नहीं थी बिल्कुल पर्याप्त जीरो विंग अभी भी जीता अद्भुत यह आश्चर्यजनक है जीरो विंग ने वास्तव में एक हजार से अधिक खिलाड़ियों के साथ एक लाख से अधिक दुष्ट दानवों और दुष्ट जानवरों की सेना को पीछे धकेल दिया इसके साथ बीस्ट सम्राट ने ओआरसी साम्राज्य के अधिपति के रूप में अपना स्थान खो दिया है प्रिमोडियल डिवाइन रूइन को देखने वाली भीड़ उत्साह से काप उठे बिना नहीं रह सकी जब उन्होंने दुष्ट राक्षसों और दुष्ट जानवरों को उन्मत्त रूप से भागते हुए देखा जीरो विंग 2000 से कम खिलाड़ियों के साथ प्राइमर्डियल डिवाइन रूविन में आया था फिर भी इसने न केवल ब्लैकवाटर की दस शून्य 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 मजबूत सेना को हराया था बल्कि इसने एक लाख से अधिक राक्षसों की सेना को भी पीछे धकेल दिया था लड़ाई के बीच में जीरो विंग ने एक टीयर चार एनपीसी और दो टीयर चार ईविल बिस्ट्स को भी मार डाला था देखने वाले खिलाड़ी आखिरकार समझ गए कि जीरो विंग कितना शक्तिशाली था विभिन्न महाशक्तियों विशेष रूप से जब उन्होंने गिल्ड को देखा तो उन्हें डर का एक अंश महसूस हुआ कम से कम वे ओआरसी साम्राज्य की सीमाओं के भीतर जीरो विंग को शत्रु नहीं बनाना चाहते थे आखिरकार कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता था कि जीरो विंग और डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स को नहीं बुला सकता जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई रिमोडियल डिवाइन रूइन में जीरो विंग की चौंकाने वाली जीत की खबर जल्दी से ओर्क साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों में फैल गई इस बीच यह खबर न केवल विभिन्न बड़े संघों के कानों तक पहुंची बल्कि आम खिलाड़ियों ने भी लड़ाई के बारे में सीखा यह खबर इतने सारे खिलाड़ियों तक पहुंच चुकी थी क्योंकि प्रिमोडियल डिवाइन रूविंग के कई खिलाड़ी साहसी टीमों से भी थे इनमें से कई एडवेंचरर टीमों के सदस्यों ने युद्ध के रिकॉर्ड किए गए वीडियो को अपने संबंधित देशों के मंचों पर अपलोड करना शुरू कर दिया बकवास क्या यह वास्तव में खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई है यह एनपीसी के बीच लड़ाई जैसा क्यों लगता है त्वरित देखो क्या वह टीयर चार एनपीसी नहीं है क्या जीरो विंग भी एक टीयर चार एनपीसी को मारने में कामयाब रहा एक युद्ध की इस उत्कृष्ट कृति के कारण विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों में जीरो विंग की प्रसिद्धि काफी बढ़ गई कई खिलाड़ी जीरो विंग में शामिल होने पर विचार करने लगे एक समय के लिए अनगिनत खिलाड़ी व्हाइट सिटी और जीरो विंग सिटी की ओर बढ़ गए काला लॉन यह मत सोचो कि तुमने युद्ध सिर्फ इसलिए जीत लिया है क्योंकि तुमने यह लड़ाई जीत ली है बीस्ट एम्परर की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जैसे ही उसने फॉरम पोस्ट पढ़ी चूंकि आपने मेरे अंगों में से एक को अलग कर दिया है मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जीरो विंग कभी भी ओआरसी साम्राज्य में पैर न रखे उसने स्वीकार किया कि उसकी इविल दानव और इविल बीस्ट सेना हार गई थी और नुकसान महत्वपूर्ण था हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स बुलाए गए जीव थे वे सीमित समय के लिए ही मौजूद रह सकते थे एक बार जब वह अवधि समाप्त हो गई तो वह अपने मंत्रियों को आदिम दिव्य खंडहर में वापस भेज सकता था और जीरो विंग की सेना का वध कर सकता था भले ही जीरो विन डिवाइन मैजिक ड्रेगन को फिर से बुला सकता है वह बाद में एक और पीछे हटने और हमला करने का आदेश दे सकता है उसके पास जीरो विन ड्राई ब्लीड करने के लिए पर्याप्त से अधिक ईविल दानव और ईविल बीस्ट थे स्टारमून किंगडम व्हाइट रिवर सिटी यह देखने के बाद कि लड़ाई खत्म हो गई है अथर्व ने व्हाइट रिवर सिटी लौटने के लिए रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल किया हालांकि अथर्व सीधे युद्ध देवता के मंदिर नहीं गया इसके बजाय उन्होंने व्हाइट रिवर सिटी के एडवेंचरर्स एसोसिएशन का दौरा किया एडवेंचरर्स एसोसिएशन की दूसरी मंजिल पर एक वीआईपी कमरे में जब एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रशासकों में से एक ने कमरे में प्रवेश किया तो उसने अथर्व का अभिवादन किया जो सोफे पर आराम कर रहा था और पूछा भगवान रक्षक आज मैं कैसे सेवा कर सकता हूं मैं साम्राज्य के बाहर एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर बनाना चाहता हूं और मुझे एडवेंचरस एसोसिएशन की मदद की जरूरत है अथर्व ने सिर हिलाते हुए कहा इसके बाद उन्होंने टाउन बिल्डिंग ऑर्डर का खुलासा किया जो उन्होंने लॉस्ट टाउन से हासिल किया था आलिशान वीआईपी कक्ष के अंदर एनपीसी के वरिष्ठ ने अथर्व के प्रति अधिक सम्मानजनक रवैया अपनाया जब तलवारबाज ने अपने बैग से चर्मपत्र का एक फटा हुआ टुकड़ा निकाला और उसे मेज पर रख दिया जिसके बाद एनपीसी ने चर्मपत्र का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया हालांकि टाउन बिल्डिंग ऑर्डर अपने आप में स्टारमून किंगडम सिटी बिल्डिंग ऑर्डर के रूप में कहीं भी मूल्यवान नहीं था लेकिन इसका उपयोग कैसे किया गया था इसके आधार पर यह राज्य के सिटी बिल्डिंग ऑर्डर के मूल्य को प्रतिद्वंद्वी यहां तक की पार कर सकता है ऐसा इसलिए था क्योंकि टाउन बिल्डिंग ऑर्डर में स्थान प्रतिबंध नहीं थे यदि वे चाहें तो एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर का निर्माण भी कर सकते हैं तटस्थ मानचित्र किसी साम्राज्य या साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे इसलिए इन मानचित्रों में से किसी एक में एक शहर का निर्माण मानचित्र पर शासन हासिल करने के समान था दूसरी ओर जबकि स्टारमोन किंगडम सिटी बिल्डिंग ऑर्डर वास्तव में बहुत मूल्यवान था शहर का निर्माण स्टारमून किंगडम की सीमाओं के भीतर किया जाना था दूसरे शब्दों में शहर अभी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में होगा और बड़े पैमाने पर राज्य से प्रभावित होगा इस तरह के प्रभाव का सबसे सरल उदाहरण मासिक प्रबंधन शुल्क था और शहरों को राज्य का भुगतान करना पड़ता था जीरो विंग सिटी जैसे बेसिक सिटी के लिए खिलाड़ियों को तीस हजार गोल्ड के मासिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान करना पड़ता था यदि शहर को मध्यवर्ती या उन्नत शहर में पदोन्नत किया गया था तो शुल्क कई गुना बढ़ जाएगा हालांकि अगर एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर या शहर का निर्माण किया गया था तो खिलाड़ियों को किसी राज्य या साम्राज्य को अत्यधिक प्रबंधन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी इसके बजाय खिलाड़ियों को सिस्टम को केवल एक छोटा सा प्रबंधन शुल्क देना पड़ता था बेशक इस तरह के लाभ में भारी कमी थी सुरक्षा की कमी एक राज्य या साम्राज्य के भीतर शहर और शहर उस राज्य या साम्राज्य के संरक्षण में थे राक्षसी हमले सबसे बड़ा खतरा थे जिनका इन कस्बों और शहरों को सामना करना पड़ेगा हालांकि तटस्थ मानचित्र में राक्षस एकमात्र खतरा नहीं थे अन्य जातियों के छापे भी सामान्य होंगे यदि एक गिल्द पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर का निर्माण करना जनशक्ति और संसाधनों की बर्बादी होगी वास्तव में अथर्व के पिछले जीवन के दौरान गिल्डों ने अक्सर तटस्थ मानचित्रों में कस्बों का निर्माण करके अपनी ताक़त को कम करके आका था जो बाद में नष्ट हो गए थे हालांकि इस कमी में एक और लाभ शामिल था जो एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर बनाने का सबसे बड़ा लाभ था चूंकि तटस्थ नक्शे एक राज्य या साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे इसलिए तटस्थ मानचित्रों में गिल्ड टाउन और गिल्ड शहर अन्य जातियों के साथ व्यापार कर सकते थे गॉड्स डोमेन में कई अलग अलग जातियां थीं कम बुद्धि वाले प्राणियों के अलावा जो केवल जीवित रहने के लिए अन्य प्राणियों का वध करना जानते थे बुद्धिमान दौड़ेण थीं जो खिलाड़ियों के साथ संवाद कर सकती थीं जैसे कि बौने कल्पित बौने ऑक्स हाफेल्व्स और हाफ केवल इन जातियों को साम्राज्यों और साम्राज्यों की सीमाओं के भीतर गिल्ड कस्बों और शहरों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था अधिक से अधिक खिलाड़ियों को एनपीसी कस्बों और शहरों में इन जातियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन फिर भी ये दौड़ें केवल खिलाड़ियों के साथ बुनियादी व्यापार ही करती हैं हालांकि इन विदेशी जातियों ने कई ऐसे उत्पादों का उत्पादन किया जो मानव हाथों द्वारा बनाए गए उत्पादों से बेहतर थे इसके अलावा प्रत्येक दौड़ के अपने विशेष उत्पाद थे जो मैदान में लड़ने के दौरान खिलाड़ियों के अस्तित्व के लिए बहुत मददगार होंगे उदाहरण के लिए बौने निर्मित हथियार और उपकरण लें चूंकि बॉनों के पास बेहतर तकनीकें और फोर्जिंग के विशेष तरीके थे उनके हथियार और उपकरण मानव निर्मित उत्पादों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते थे इस बीच तटस्थ मानचित्रों में गिल्ड टाउन विदेशी जातियों के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित नहीं थे जब तक कोई नगर पर्याप्त रूप से आकर्षक था वह विदेशी जातियों के सदस्यों को घूमने के लिए प्रेरित कर सकता था व्यापार के अलावा खिलाड़ी शहर के सैनिकों के रूप में सेवा करने के लिए विदेशी नस्लों को भी नियुक्त कर सकते थे मानव योद्धाओं के विपरीत इन जातियों के योद्धा आमतौर पर एक विशेष पहलू में विशिष्ट होते हैं इसलिए जिन संघों के अतीत में तटस्थ नक्शे में शहर थे उन्होंने अपने शहरों की रक्षा के लिए विदेशी जातियों के योद्धाओं को काम पर रखा था इन पहलुओं के कारण हालांकि तटस्थ शहर सामान्य गिल्ड टाउन से अलग नहीं दिखते थे वे वास्तव में तटस्थ मानचित्रों में लघु राज्यों की तरह कार्य कर सकते थे यद्यपि तटस्थ नगर हर दृष्टि से राज्यों और साम्राज्यों की तुलना नहीं कर सकता था फिर भी उसमें एक होने के गुण थे भगवान रक्षक मुझे पता चला है कि आपके टाउन बिल्डिंग ऑर्डर के साथ कोई समस्या नहीं है क्या मैं जान सकता हूं कि आप अपना नगर कहां बनाना चाहते हैं एनपीसी प्रशासक ने आदरपूर्वक टाउन बिल्डिंग ऑर्डर संग्रहित करने के लिए कहा फिर उसने एक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे टेबल पर रख दिया अगले ही पल क्रिस्टल बॉल में गॉड्स डोमेन का नक्शा दिखाई दिया यहां अथर्व ने कहा जैसा कि उन्होंने ओर्क साम्राज्य के प्रीमोडियल डिवाइन रूएन की ओर इशारा किया एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर का निर्माण करना किसी राज्य या साम्राज्य में एक शहर बनाने जैसा नहीं था राज्य और साम्राज्य अपनी सीमाओं से बाहर के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे इसलिए एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर का निर्माण करते समय शहर के निर्माण को संभालने के लिए एडवेंचरस एसोसिएशन पूरी तरह से जिम्मेदार था लॉर्ड प्रोटेक्टर यह स्थान वर्तमान में काफी अव्यवस्थित है पास के सबसे निचले स्तर के राक्षस पचास के स्तर से ऊपर हैं ओक्स भी क्षेत्र में कहर बरपाते हैं यदि आप वहां एक शहर बनाना चाहते हैं तो यह महंगा होगा मूल निर्माण शुल्क अकेले चालीस हज़ार गोल्ड पर आता है यदि आप गार्ड नियुक्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक स्तर एक सौ टीयर एक एडवेंचर के लिए प्रतिदिन तीन गोल्ड टियर दो एडवेंचर के लिए प्रतिदिन दस गोल्ड और टीयर तीन एडवेंचरर के लिए एक सौ गोल्ड प्रतिदिन खर्च होंगे आपको अधिकतम तीन दिनों के लिए ही उन्हें काम पर रखने की अनुमति होगी क्या आप किसी गार्ड को नियुक्त करना चाहते हैं मैं तीन दिनों के लिए एक हज़ार टीयर एक एडवेंचरर्स पांच सौ टीयर दो एडवेंचरर्स और बीस टीयर तीन एडवेंचरर्स को किराए पर लूंगा यह पहली बार नहीं था जब अथर्व ने एक तटस्थ शहर का निर्माण किया था इसलिए लागत ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं किया जबकि तटस्थ मानचित्र बेहद खतरनाक थे उनसे जो लाभ प्राप्त किया जा सकता था वह बहुत अधिक था इसलिए तटस्थ मानचित्रों में कस्बों को केवल तीन दिन की सुरक्षा अवधि दी गई थी न केवल ये एनपीसी गार्ड महंगे थे बल्कि उनका स्तर खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय राक्षसों की तुलना में थोड़ा अधिक नहीं था ये एनपीसी गार्ड मुख्य रूप से राक्षस और विदेशी नस्ल के हमलों को पीछे हटाने के लिए थे खिलाड़ी नहीं जीरो विंग ने हाल ही में स्वर्ग के दफ़न और ब्लैकवाटर के सदस्यों को मारने के बाद प्राप्त उपकरणों को बेचकर एक भाग्य अर्जित किया था इसे स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी से भी लाभ हुआ था हालांकि पैसे का एक बड़ा हिस्सा गिर्ड के विकास में निवेश किया जाना था जीरो विन के पास अभी बैंक में केवल अस्सी हज़ार से थोड़ा अधिक सोना था अकेले निर्माण में चालीस हज़ार सोने का खर्च आया जो स्टार मून किंगडम के भीतर एक शहर बनाने से कई गुना अधिक था एडवेंचररर कितने महंगे थे अथर्व ने एक साथ कई लोगों को हायर करने की हिम्मत नहीं की इसके अलावा यदि कोई शहर लंबे समय तक तटस्थ मानचित्र में जीवित रहना चाहता है तो अस्थायी गार्डों पर निर्भर रहना निश्चित रूप से एक व्यवहार्य समाधान नहीं था इसलिए गिल्ड को कस्बे में स्थिर सुरक्षा के निर्माण के लिए भी कुछ पैसे अलग रखने पड़े ठीक है आपका कुल बिल सत्तर हज़ार सोने का आता है इस समय कोई छूट उपलब्ध नहीं है एनपीसी व्यवस्थापक ने सिर हिलाते हुए कहा एक बार जब आप भुगतान पूरा कर लेते हैं तो एडवेंचरर्स एसोसिएशन हमारे लोगों को एक मिनट के भीतर चुने हुए स्थान पर भेज देगा कस्बे के निर्माण को पूरा करने में उन्हें लगभग बीस मिनट लगेंगे बीस मिनट वरिष्ठ प्रशासक के स्पष्टीकरण ने अथर्व को थोड़ा चौंका दिया उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शहर के निर्माण में इतना समय लगेगा जब एडवेंचरर्स एसोसिएशन ने पास के तटस्थ मानचित्र में एक शहर का निर्माण किया तो उसने आमतौर पर दस मिनट के भीतर निर्माण पूरा कर लिया शहरों के विपरीत शहरों में कम सुविधाएं और संरचनाएं थीं आखिरकार लेकिन उसके शहर को निर्माण के लिए दुगुने समय की आवश्यकता थी कोई केवल कल्पना कर सकता है कि आदिकालीन दैवीय खंडहर के आसपास का क्षेत्र अभी कितना खतरनाक था हालांकि अथर्व ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी उन्होंने एनपीसी को सत्तर हजार स्वर्ण सौंपे और एडवेंचरस एसोसिएशन से विदा ली उसके बाद वह खुद को कुछ योग्यता अंक अर्जित करने के लिए युद्ध भगवान के मंदिर में ले गया जब अथर्व युद्ध के देवता के मंदिर जा रहा था तब उसे एक बार रोज का फोन आया गिल्ड लीडर एक और समस्या आद्य ईश्वरीय खंडहर में आ गई है जैसे ही हमने खंडहर को छोड़ा बीस्ट सम्राट ने फिर से खंडहर को घेरने के लिए अपने दुष्ट जानवरों और दुष्ट राक्षसों को भेजा हम अभी भी अपने संभ्रांत सदस्यों को खंडहर में गैरिसन में नहीं भेज सकते हैं एक बार ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ रिपोर्ट किया उसने उम्मीद नहीं की थी कि बीस्ट एम्परर इतना बेशर्म होगा इस तरह का कदम उठाएगा बीस्ट एम्परर के अधीनस्थों में से एक ने भी हमसे संपर्क किया है हमें सूचित किया है कि जब तक हम फ्लेम ब्लड जारी नहीं करते हैं तब तक वह आदिन बैबी खंडहर में हमें परेशान करना बंद नहीं करेगा हालांकि बीस्ट एम्परर की हरकतें बेशर्म थीं जीरो विंग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था जीरो विंग में केवल दो जादू सरणियां थीं जो दिव्य जादू ड्रैगन को बुला सकती थीं और दोनों का उपयोग पिछली लड़ाई के दौरान किया गया था अब जब जीरो विंग के पास ईविल बीस्ट और दानव सेनाओं का मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं था तो खिलाड़ी सेना में भेजना आत्मघाती होगा वह कड़वे अंत तक लड़ने के लिए तैयार है अथर्व मुस्कुराए बिना नहीं रह सका चूंकि मामला ऐसा ही है तो उसे अपना मज़ा लेने दो हम देखेंगे कि वह कब तक अपना संघर्ष जारी रख सकते हैं लेकिन प्राइमोडियल सिटी के बारे में क्या एक बार रोज़ बता सकता था कि अथर्व बीस्ट सम्राट को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दृढ़ था हालांकि जीरो विन के सदस्यों को टियर दो तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रिमोडियल सिटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बस उसे अनदेखा करो अथर्व ने कहा अभी के लिए प्रत्येक वास्तुकार को कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में इकट्ठा करें और उन्हें गिर्ड निवास में इकट्ठा करें फिर मेलांचोलिक से संपर्क करें और उसे मेरे लिए ये सामग्री तैयार करने के लिए कहें मुझे एक पल में उनकी आवश्यकता होगी इतना कहने के बाद अथर्व ने फोन काट दिया और चुपचाप अपनी घोड़ागाड़ी के युद्ध देवता के मंदिर पहुंचने का इंतजार करने लगा इस बीच एकवा रोज ने अपने सामने अंधेरे स्क्रीन को एक भ्रमित नजर से देखा क्या उसे अकेला छोड़ना वाकई ठीक है एकवार रोज ने चिंतित होकर अपने आप से कहा हालांकि बातचीत के दौरान अथर्व ने जो भाव पहना है उससे पता चलता है कि उसके दिमाग में एक सोची समझी योजना थी तुरंत उसने अपनी चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल दिया और बीस्ट एम्परर के माथक को जवाब भेजा एक बार यह हो जाने के बाद उसने आवश्यक जनशक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आवश्यक सामग्री एकत्र करने के लिए उदास मुस्कान को सूचित किया प्राचीन रॉक सिटी अच्छा बहुत अच्छा जब बीस्ट सम्राट ने अपने अधीनस्थ के माध्यम से एक बार रोज का जवाब प्राप्त किया तो उसका भयावह रूप से राख हो गया और उसके पूरे शरीर से मारने का इरादा फैल गया उसने कभी नहीं सोचा था कि अथर्व इतना पागल हो जाएगा कि वह उससे अंत तक लड़ेगा जिस तरह बीस्ट सम्राट जीरो विंग पर सर्वनाश के युद्ध की घोषणा करने वाला था सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची सिस्टम अनाउंसमेंट जीरो विंग को न्यूट्रल मैप में शहर बनाने वाली पहली गिड होने के लिए बधाई नए शहर को तीस हज़ार गिड लोकप्रियता और दस हज़ार लोकप्रियता प्रदान करना एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर बीस्ट एम्परर सिस्टम की घोषणा को घूरता रहा स्तब्ध रह गया वह एक कस्बे के निर्माण से अपरिचित नहीं था आख़िरकार कई संघों ने पहले विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों के भीतर कस्बों का निर्माण किया था हालांकि एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर का निर्माण पूरी तरह से अलग अर्थ रखता है तटस्थ नक्शों में टेलीपोर्टेशन बिंदुओं का अभाव था तटस्थ मानचित्रों पर जाने के लिए खिलाड़ी केवल अपनी शक्ति पर भरोसा कर सकते थे यदि एक गिल्ड ने एक तटस्थ मानचित्र में एक गिल्ड टाउन का निर्माण किया तो उसके गिल्ड के सदस्य गिल्ड निवास होने के बाद गिल्ड ट्रांसफर स्क्रॉल को उक्त शहर में टेलीपोर्ट कर सकते थे जिससे यात्रा के समय में काफी बचत होती थी इसके अलावा एक कब्ज़े वाले शहर के विपरीत जिसका एक निश्चित स्थान था मालिक जहां चाहे वहां अपने शहर का निर्माण कर सकता था तटस्थ मानचित्र संसाधनों से भरपूर थे लेकिन विभिन्न प्रमुख शक्तियों ने अभी तक केवल पूर्व निर्मित कस्बों पर कब्जा कर लिया था किसी ने अभी तक एक तटस्थ मानचित्र में एक शहर को सफलतापूर्वक नहीं बनाया था फिर भी इन शक्तियों ने अपने कब्जे वाले शहरों से भरपूर लाभ प्राप्त किया था यदि वे एक रणनीतिक स्थान पर एक शहर का निर्माण कर सकते हैं और उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं तो वे निश्चित रूप से अधिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं इस बीच ओआरसी साम्राज्य के आदिकालीन दैवीय खंडहर में विभिन्न प्रमुख शक्तियों और साहसी टीमों के खिलाड़ी जो खंडहर के प्रवेश स्लॉट के लिए लड़ने की तैयारी कर रहे थे दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहे थे एक अवर्णनीय झटका उनकी गज़लों को भर रहा था अचानक आदिम ईश्वरीय खंडहर के दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई वाले इलाकों में एक शहर आबाद हो गया था पिछली प्रणाली की घोषणा के साथ संयुक्त कोई भी मूर्ख यह महसूस करेगा कि यह निर्मित शहर जीरो विंग का है क्या मैं सपना देख रहा हूं यह कैसे संभव है जीरो विंग बहुत बढ़िया है डेल्ड के पास यहां एक शहर बनाने का साधन भी था पूरी तरह से बने शहर को देखते हुए आदिन दैवीय खंडहर में विभिन्न बड़े संघों ने ईर्ष्या से देखा इस बीच विभिन्न साहसी लोगों की आंखें उत्साह से चमक उठी आदिकालीन दैवीय खंडहर के इतने करीब एक शहर होना एक सपना था प्रिमोर्डियल डिवाइन रुवइन एक महत्वपूर्ण संसाधन था जिसके लिए विभिन्न प्रमुख शक्तियों ने प्रतिस्पर्धा की इन शक्तियों ने और सदस्यों को बर्बादी में लाने के लिए अंतहीन जनशक्ति और संसाधनों को भी खर्च किया था अब जब जीरो विंग ने प्रिमोडियल डिवाइन रूइन के बगल में एक शहर का निर्माण किया था प्रवेश स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय गिल्ड को अन्य शक्तियों पर भारी लाभ होगा सबसे पहले जीरो विंग बड़ी संख्या में गिल्ड सदस्यों को प्राइमोडियल डिवाइन रूवइन में आसानी से लामबंद कर सकता था जीरो विंग के सदस्यों को घंटों सफर का सामना नहीं करना पड़ेगा दूसरा जीरो विंग को बर्बाद करने वाले खिलाड़ियों को गियर की मरम्मत और आपूर्ति को फिर से भरने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी रिमोडियल डिवाइन रूइन एक शहर नहीं था और भले ही इसमें खिलाड़ियों के आराम करने के लिए होटल उपलब्ध थे लेकिन सीमित संख्या में उपलब्ध थे इसके अलावा लागत अत्यधिक से परे थी यहाँ तक कि बड़ी मंडलियाँ भी अपने हजारों सदस्यों के लिए होटल से कमरे किराए पर लेने के लिए आवश्यक रूप से वहन नहीं कर सकती थीं फिर भी यदि खिलाड़ी खंडहर के बाहर शिविर लगाते हैं तो उनकी सहनशक्ति और एकाग्रता की वसूली अविश्वसनीय रूप से धीमी होगी इसने उन्हें आसपास के राक्षसों को पीसने और कुशलता से समतल करने से रोका हालांकि शहर एक अलग कहानी थे एक शहर अधिक खिलाड़ियों को समायोजित कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ी एक शहर में अपने हथियारों और उपकरणों की मरम्मत कर सकते हैं हालांकि प्रिमोडियल डिवाइन रूइन में रेस्तरां और होटल थे लेकिन इसमें कोई लोहार नहीं था इसलिए कुछ समय के लिए खंडहर के चारों ओर पीसने के बाद खिलाड़ियों को अपने गियर की मरम्मत के लिए अपने संबंधित कस्बों और शहरों में वापस जाना होगा इन दो फायदों के साथ जीरो विन प्रिमोडियल डिवाइन रूइन के संसाधनों की प्रतियोगिता में एक शक्तिशाली स्थिति को सुरक्षित कर सकता है जबकि विभिन्न बड़े गिल्ड जीरो विन के खंडहर के बगल में एक गिल्ड टाउन के निर्माण पर उग्र थे विभिन्न साहसी टीमों को समाप्त कर दिया गया था प्रवेश स्लॉट के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सांसी टीमें अभी भी विभिन्न बड़े संघों की तुलना में बहुत कमज़ोर थीं आखिरकार एडवेंचरर टीमों के विपरीत विभिन्न बड़े गिल्डों के पास कई सदस्य थे और वे अपने सदस्यों को प्रिमोडियल डिवाइन रूइन में शिफ्ट में उनकी कुल युद्ध शक्ति को प्रभावित किए बिना शिफ्ट करने का जोखिम उठा सकते थे हालांकि अब जबकि आदिम ईश्वरीय खंडहर के बगल में एक शहर बनाया गया था विभिन्न सांसी दल इसे अस्थायी आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे जो लंबे समय तक खंडहर के करीब रहते थे इसके साथ विभिन्न साहसी दल अधिक समान खेल के मैदान पर विभिन्न बड़े संघों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे इस बीच ओआरसी साम्राज्य में जीरो विंग के नए शहर की खबर तेजी से पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों में फैल गई एक समय के लिए विभिन्न बड़े गिल्ड और स्वतंत्र विशेषज्ञ सभी जीरो विंग के बारे में बात कर रहे थे जीरो विंग का उदय अब निश्चित है गिल्ड के पास न केवल उन्नत कॉम्बैट रूम और गिल्ड सिटी है बल्कि इसने ओआरसी साम्राज्य के प्रिमोरियल डिवाइन रूविन के ठीक बगल में एक शहर भी बनाया है यह सही है मैंने सुना है कि कई स्वतंत्र विशेषज्ञों ने खुद को बेहतर विकसित करने के लिए ज़ीरो विंग में शामिल होना चुना है ज़ाहिर तौर पर न केवल गिल्ड ने अपने सदस्यों के लिए विशिष्ट उन्नत लड़ाकू कमरे आरक्षित किए हैं बल्कि जीरो विंग के सदस्य गैर गिल्ड खिलाड़ियों की तुलना में बहुत कम कीमत पर गिल्ड की युद्ध तकनीकों को भी सीख सकते हैं मुझे पता था कि मुझे जीरो विंग में पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था गिल्ड की नवीनतम उपलब्धि के बारे में जानने के बाद ओआरसी साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों के कई स्वतंत्र विशेषज्ञों को जीरो विंग में शामिल होने का लालच दिया गया वे पहले जीरो विंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और जो जानते थे उनके पास गिल्ड के बारे में विशेष रूप से आशावादी दृष्टिकोण नहीं था हालांकि ब्लैकवाटर और बीस्ट सम्राट के खिलाफ गिल्ड की भारी जीत के बाद यह सब बदल गया था अब जबकि जीरो विंग ने आदिकालीन ईश्वरीय खंडहर के बगल में एक गिल्ड टाउन का निर्माण किया था एक मूर्ख भी यह बता सकता था कि गिल्ड के पास भविष्य में सुपर रेट गिल्ड बनने की बहुत अधिक संभावना है कई विशेषज्ञ खिलाड़ियों ने सुपर रेट गिल्ड्स को निशाना बनाया यदि कोई ऐसे संगठन का आंतरिक सदस्य बन सकता है तो वे वास्तविक दुनिया में चिंतामुक्त जीवन जीने में सक्षम होंगे हालांकि सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड में बहुत सारे विशेषज्ञ खिलाड़ी थे और केवल सीमित संख्या में लोग ही आंतरिक सदस्य बन सकते थे इसलिए सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के भीतर प्रतिस्पर्धा तीव्र थी हालांकि अगर खिलाड़ी एक गिल्ड में शामिल हो जाते हैं जिसमें रेट गिल्ड बनने की क्षमता होती है भले ही वे केवल सामान्य विशेषज्ञ हों फिर भी उनके पास आंतरिक सदस्य बनने का एक उच्च मौका था संभावित लाभों के बारे में सोचते हुए विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों के कई विशेषज्ञ स्टारमोन किंगडम की ओर तेजी से बढ़े एक समय के लिए अधिक खिलाड़ी व्हाइट रिवर सिटी और जीरो विंग सिटी में जीरो विंग के निवास से पहले एकत्र हुए जिससे गिर्ड को कुलीन और विशेषज्ञ खिलाड़ियों के एक और बड़े बैच की भर्ती करने की अनुमति मिली इस बीच जब एक बार रोज जो आर्किटेक्ट अथर्व के अनुरोध को इकट्ठा कर रही थी को जीरो विंग के नए शहर के बारे में पता चला तो उसे एहसास हुआ वह भी तुरंत खुश हो गई अब जब जीरो विंग के पास प्रिमोरियल डिवाइन रूइन के बगल में एक गिल्ड टाउन था तो गिल्ड के पास मुकाबला तकनीकों को इकट्ठा करने और प्रिमोरियल सिटी में प्रवेश करने में बहुत आसान समय होगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शहर जीरो विंग के लिए भारी मात्रा में आय लाएगा आजकल बड़ी संख्या में खिलाड़ी ओआरसी साम्राज्य में पीसते और समतल करते हैं ये सभी खिलाड़ी विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों के कुलीन और विशेषज्ञ थे और उन सभी के पास प्रचुर संसाधन थे इस बीच ओआरसी साम्राज्य में कुछ ही गिल्ड टाउन थे इसके अलावा प्राचीन रॉक सिटी जो खिलाड़ियों के लिए एक केंद्र था एक दुष्ट दानव घोंसला बन गया था इसने खिलाड़ियों के लिए आराम क्षेत्रों की संख्या को और सीमित कर दिया अब जब एक नया गिल्ड टाउन प्राइमर्डियल डिवाइन रूइन के बगल में आबाद हो गया था तो टन के विशेषज्ञ और कुलीन खिलाड़ी शहर को झुला देंगे जिससे सभी प्रकार के दुर्लभ संसाधनों तक जीरो विंग की पहुंच होगी स्टोन फॉरेस्ट टाउन की तुलना में गिल्ड का नया शहर संभवतः और भी अधिक लाभदायक होगा और जीरो विंग के सदस्यों के लिए यह ओआरसी साम्राज्य का दौरा करने का एक सुनहरा अवसर था तटस्थ मानचित्र में उनकी समतलन दक्षता निश्चित रूप से स्टारमोन किंगडम में पीसने की तुलना में तेज होगी इस बीच अथर्व जो एक उन्नत घोड़ा गाड़ी में बैठा था जब वह व्हाइट रिवर सिटी के युद्ध भगवान के मंदिर की ओर जा रहा था जीरो विन के नए शहर के कारण हुए हंगामे से पूरी तरह अनभिज्ञ था वह केवल इतना जानता था कि उसके नए शहर का निर्माण पूरा हो चुका था सिस्टम ने उन्हें यह भी सूचित किया था कि उन्हें शहर का निरीक्षण करने और हैंडओवर प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता है हालांकि अथर्व अपने नए शहर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था बल्कि अपने बैग की सामग्री पर केंद्रित था जबकि वह युद्ध में उलझा हुआ था उसे अपनी फसल का निरीक्षण करने का मौका नहीं मिला था अब जब चीजें शांत हो गई थीं तो उन्हें चीजों की जांच करनी थी आखिरकार उसने आदिकालीन ईश्वरीय खंडहर की लड़ाई से बहुत कुछ प्राप्त किया था जीरो विन की सेना ने न केवल बड़ी संख्या में ब्लैक विशेषज्ञों को मार डाला था बल्कि इसने दो मिथिक ईविल बिस्ट्स और एक मिथिक रैंक एनपीसी को भी मार गिराया था ब्लैकवाटर के विशेषज्ञों द्वारा गिराए गए शीर्ष स्तरीय उपकरणों में सबसे अच्छा सिंगुलर दफन से मैजिक वेपन होना था द मैजिक वेपन एक बो था जिसे फर्मामेंट स्ट्राइकर कहा जाता था मैजिक वेपन एपिक वेपन से भी दुर्लभ थे वे एपिक वेपन से भी ज्यादा मजबूत थे दुर्भाग्य से जादुई हथियार चलाने में कुछ गंभीर जोखिम थे दो मिथिक रैंक वाले ईविल बीस्ट्स ने भी शानदार आइटम गिराए थे राक्षसों ने एक ग्रोथ टाइप एपिक रैंक वाले दाना बागे और एक ईविल एनर्जी पोषण रेसिपी एक उन्नत कीमिया रेसिपी को गिरा दिया था ईविल एनर्जी पोषण एक अनमोल पोषण था जिसका सेवन करने पर खिलाड़ियों की ताकत में पंद्रह परसेंट की वृद्धि होती है और इसके उपयोगकर्ता को दो घंटे के लिए एक निश्चित मात्रा में ईविल एनर्जी प्रतिरोध मिलता है स्वाभाविक रूप से पोषण की मुख्य सामग्री ईविल एनर्जी क्रिस्टल थी हालांकि इन वस्तुओं ने अथर्व का ध्यान आकर्षित नहीं किया क्योंकि वह यह जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक था कि माइथिक एनपीसी डायरो ने क्या छोड़ा था मिथक एनपीसी ने शायद ही कभी आइटम गिराए लेकिन जब उन्होंने किया तो आइटम निश्चित रूप से शीर्ष स्तरीय थे जिसके बाद अथर्व ने उन दो वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया जो डायरो ने अपने बैग से गिरा दी थी फिर उन्होंने सर्वज्ञ नेत्रों से उनका मूल्यांकन किया जब अथर्व ने डायरो द्वारा गिराई गई दो वस्तुओं का मूल्यांकन करना शुरू किया तो बंद गाड़ी के अंदर मैना घनत्व तेजी से बढ़ गया दो भूखे जानवरों की तरह जो अभी अभी जागे थे दो वस्तुओं ने अपने चारों ओर के परिवेश मन को भूख से निकल लिया इस स्थिति ने अथर्व को कुछ हैरान कर दिया उसने कभी नहीं सोचा था कि डायरों ने जो दो चीज़ें गिराई वे इतनी आश्चर्यजनक होंगी अभी गाड़ी में मैना का घनत्व स्टोन फॉरेस्ट टाउन से भी थोड़ा अधिक था माना अवशोषण प्रक्रिया अंत लगभग दस सेकंड के बाद बंद हो गई गाड़ी के अंदर की स्थिति फिर जल्दी से अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई इससे पहले अथर्व को प्राप्त दो वस्तुओं को सील कर दिया गया था जिससे वे बैंगनी सुनहरे क्रिस्टल गेंदों की तरह दिखाई देते थे और उनकी पहचान करना असंभव हो जाता था वास्तव में जब अथर्व ने वस्तुओं का निरीक्षण करने की कोशिश की तो उन्हें केवल उनका नाम सी क्रिस्टल बॉल मिला और कुछ नहीं इस बीच दो खुली हुई वस्तुओं को देखकर अथर्व अवाक रह गया दो वस्तुओं में से एक टूटी हुई लंबी तलवार थी और दूसरा एक रत्न था जो पांच अलग अलग रंगों की चमक बिखेरता था इविल गॉड्स इनहेरिटेंस एक हाथ वाली तलवार एक कीमती तलवार जिसे दुष्ट परमेश्वर ने एक बार इस्तेमाल किया था हालांकि एक युद्ध में तलवार नष्ट हो गई तीन टुकड़ों में बिखर गई यद्यपि दुष्ट परमेश्वर की कीमती तलवार नष्ट कर दी गई थी उसके अंदर निहित दुष्ट परमेश्वर की शक्ति बरकरार है जब तक कोई तीनों टुकड़ों को इकट्ठा कर लेता है तलवार के लिए यह संभव है कि वह अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल कर ले यह टुकड़ा तलवार की टूटी हुई मूठ है सभी गुणों के दस बिंदुओं को स्थायी रूप से त्याग कर उपयोगकर्ता तलवार से एक स्लैश निष्पादित कर सकता है हालांकि यह तलवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है फिर भी यह अपनी मूल शक्ति का दसवां हिस्सा लगा सकती है जब यह टुकड़ा अन्य टुकड़ों के एक हजार गज के दायरे में होगा तो टुकड़े एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होंगे मरने पर गिरता है व्यापार नहीं किया जा सकता सीमा रत्न महाकाव्य उपभोज इसे स्थायी रूप से सुधारने के लिए किसी हथियार या उपकरण में एम्बेड किया जा सकता है केवल एपिक रैंक वाली वस्तुओं या उससे नीचे के आइटम पर इस्तेमाल किया जा सकता है इन दो वस्तुओं के विवरण को देखते ही अथर्व अनैच्छिक रूप से कांप उठा उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि टीयरचार एनपीसी की लूट असाधारण और निश्चित रूप से एपिक वस्तुओं से बेहतर होगी उसने कभी नहीं सोचा था कि डायरो इन दो वस्तुओं को छोड़ देगा इवेल गॉड्स इनहेरिटेंस एक ऐसा हथियार था जिसे ईवेल गॉड ने बार बार इस्तेमाल किया था जब यह अभी भी बरकरार था अपने पूर्ण रूप में यह कम से कम एक पौराणिक हथियार होना चाहिए हालांकि उसके पास केवल हथियार का एक टुकड़ा था लेकिन इससे एक वास्तविक पौराणिक हथियार प्राप्त हो सकता था इसका मूल्य निश्चित रूप से एक खंडित पौराणिक हथियार से अधिक था आख़िरकार भगवान के डोमेन में पौराणिक वस्तुएं बेहद दुर्लभ थीं और उनमें से हर एक की असाधारण उत्पत्ति थी उल्लेख नहीं करने के लिए अधिकांश सुराग खिलाड़ियों ने पाया कि पौराणिक वस्तुओं से संबंधित थे जो आमतौर पर नकली थे इस बीच इविल गॉड्स इनहेरिटेंस के बारे में सबसे मूल्यवान पहलू यह तथ्य था कि इसका उपयोग किया जा सकता था भले ही यह अपनी मूल शक्ति का केवल 10 परसेंट ही उपयोग करने में सक्षम था जो कि एक पौराणिक हथियार की शक्ति का 10 परसेंट था ऐसा कुछ नहीं जिसकी तुलना एक खंडित पौराणिक हथियार से की जा सकती है केवल हथियार के इस्तेमाल की कीमत थोड़ी अधिक थी अन्य खिलाड़ियों की तो बात ही छोड़िए यहां तक कि अथर्व को भी एक स्टिंग महसूस होगा अगर उसे केवल एक बार हथियार घुमाने के लिए सभी एट्रीब्यूट में दस अंक देने पड़े डायरो द्वारा गिराई गई अन्य वस्तु के बारे में यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में अथर्व ने पहले कभी सुना ही नहीं था अपने पिछले जीवन के दौरान लिमिट जेमस्टोन एक सुपर गिल्ड द्वारा आयोजित नीलामी में दिखाई दिया था हालांकि लिमिट जेमस्टोन को तब वापस बेच दिया गया था जिसकी मेजबानी सुपर गिल्ड द्वारा नहीं की गई थी इसके बजाय यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे किसी अन्य खिलाड़ी ने व्यापार के लिए रखा था जब यह वस्तु नीलामी के बाटरिंग सत्र के दौरान दिखाई दी तो इसने नीलामी स्थल पर तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया था आखिरकार सबसे अच्छा हथियार और उपकरण जो चोटी के विशेषज्ञ अपने हाथों को वापस प्राप्त कर सकते थे वे केवल एपिक रैंक थे खंडित पौराणिक वस्तुएं अभी भी उनकी पहुंच से बहुत दूर थीं इसलिए उनके लिए महाकाव्य हथियारों और उपकरणों में सुधार करने में सक्षम एक वस्तु महाकाव्य हथियारों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी अंत में उस समय के एक महाकाव्य हथियार और शीर्ष स्तरीय डार्क डार्कबोर्ड उपकरण के तीन टुकड़ों के लिए लिमिट जेमस्टोन का व्यापार किया गया था उस समय इस कीमत पर किसी की कोई मजबूत राय नहीं थी यह न तो बहुत महंगा था और न ही बहुत सस्ता कुछ समय बाद ही सभी को पता चला कि लिमिट रत्न के खरीदार ने भारी मुनाफा कमाया है लिमिट जेमस्टोन जितना सोचा था उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक निकला जैसा कि इसके नाम में निहित है इसने किसी हथियार या उपकरण को उसकी अधिकतम सीमा तक सुधारा केवल थोड़ा सा नहीं उसके बाद से जब भी कोई लिमिट जेमस्टोन दिखाई देता है तो वह खगोलीय कीमतों पर बिकता है यहां तक कि तीन महाकाव्य वस्तुओं के बराबर भी उस समय हालांकि अथर्व केवल बातचीत के विषय के रूप में लिमिट रत्न का उपयोग करने के योग्य थे वास्तव में एक का मालिक होना उससे बहुत परे था उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस जीवन में स्वयं एक प्राप्त करेगा यह केवल एपिक रैंक या उससे नीचे के हथियारों और उपकरणों को अपग्रेड कर सकता है जैसा कि अथर्व ने अपने हाथ में चमकीले रत्न को देखा वह पवित्र तलवार को मारने वालेरे के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका गॉड्स डोमेन के छत्तीस प्रसिद्ध तलवारों में से एक के रूप में किलिंग रे किसी भी सामान्य महाकाव्य हथियार से कहीं अधिक मजबूत था इसके अलावा इसमें विकास की अपार क्षमता भी थी क्योंकि यह सोलोमन की तलवार के टुकड़ों में से एक था जो भगवान के डोमेन के दस महान पौराणिक हथियारों में से एक था चूंकि यह कभी एक लेजेंडरी वेपन का हिस्सा था इसलिए किलिंगरे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता बिना कहे चली गई कोई कह सकता है कि लिमिट रत्न के साथ सुधार करने के लिए यह सबसे अच्छी वस्तु थी तुरंत अथर्व ने किलिंगरे को खोल दिया और तलवार के फ्लैट पर लिमिट रत्न रख दिया जिसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी सिस्टम क्या आप किलिंग रे में लिमिट जेमस्टोन एम्बेड करना चाहते हैं इसे एम्बेड करें अथर्व निर्णायक रूप से सहमत हुए अचानक पांच रंग का रत्न तरल होकर किलिंग रे में फैल गया थोड़ी देर बाद पवित्र तलवार पूरी तरह से पांच रंगों के तरल की एक परत में घिरी हुई थी जैसे कि लंबी तलवार ने पांच रंगों वाली म्यान पर डाल दिया हो जिसके बाद पचरंगी तरल की चमक इतनी तेज हो गई कि अथर्व सीधे तलवार को नहीं देख सका कई सेकंड के बाद घटना कम हो गई और किलिंगरे अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया हालांकि इस समय कई दैवीय दौड़ ने तलवार के शरीर को सुशोभित किया जिससे पवित्र तलवार में देवत्व का संकेत जुड़ गया जैसा कि अथर्व ने किलिंगरे को चलाया उसने एक सुखद एहसास महसूस किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था अभी उनकी इस धारणा से अलग की पवित्र तलवार पहले से अधिक शक्तिशाली थी अथर्व ने महसूस किया कि इसके साथ उनकी अनुकूलता में काफी सुधार हुआ है अब किलिंगरे को एक हथियार के बजाय अपने हाथ के विस्तार की तरह महसूस हुआ वह स्पष्ट रूप से हवा की उन परतों को देख सकता था जिन्हें पवित्र तलवार काट रही थी इसके अलावा बिजली की सुनहरी चाप तलवार के किनारों पर चमक रही थी पवित्र तलवार के दूर चले जाने के बाद भी बिजली के चाप अभी भी उस जगह पर बने हुए थे जो पहले उसके कब्जे में थे हवा को वाष्पीकृत कर रहे थे और जो कुछ भी उनके सामने आया था अद्भुत यह वास्तव में उन जगहों को लगातार नुकसान पहुंचाने में सक्षम है जिन पर मैंने पहले भी हमला किया है क्या यह किलिंगरे की असली ताकत है किलिंगरे को देखकर अथर्व हैरान रह गया महाकाव्य हथियार और उपकरण भगवान के क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ थे जिनके छिपे हुए प्रभाव थे वे और भी दुर्लभ थे ये छिपे हुए प्रभाव एट्रीब्यूट पैनल में अनखे रह गए और प्रमुख प्रतीत नहीं हुए हालांकि केवल ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पहले इस प्रकार के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया था वे महसूस करेंगे कि ये छिपे हुए प्रभाव वास्तव में किसी की युद्ध शक्ति में सुधार करने के लिए कितने महत्वपूर्ण थे वास्तव में वे विशेषता पैनल में सूचीबद्ध गुणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे उदाहरण के लिए फायर डांस के हजारों रूपांतरणों को लें फ्रैगमेंटेड लेजेंडरी वेपन के पास जो छिपा हुआ प्रभाव था वह केवल स्वर्ग विरोधी था फायर डांस ने चाहे किसी भी तरह के हमले का सामना किया हो वह अपनी छोटी तलवार के साथ याद्रिक शिक्स विंग को अंजाम देकर इसे आसानी से रोक सकती थी यह ऐसा था मानो उसके चारों ओर का पूरा स्थान उसके हथियार के हमले के पथ के भीतर था हजार परिवर्तनों के साथ उसके प्रक्षेप वक्र की भविष्यवाणी करना असंभव था हजार रूपांतरणों के छिपे हुए प्रभाव के कारण भले ही फायर डांस के लड़ाकू मानकों में कमी थी फिर भी वह शीर्ष विशेषज्ञों के खिलाफ अपना आधार रख सकती थी इस बीच हालांकि किलिंगरे का छिपा हुआ प्रभाव थाउजेंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैच नहीं था फिर भी यह बहुत भयावह था जिन जगहों पर उसने पहले हमला किया था उन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम होने से निस्संदेह उसके डीपीएस में काफी वृद्धि होगी यदि ठीक से उपयोग किया जाए तो वह अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों को सील भी कर सकता है जिससे सभी प्रतिशोध को रोका जा सकता है किलिंगरे का छिपा हुआ प्रभाव शून्य दायरे के विशेषज्ञों के लिए भी परेशानी पैदा करेगा अन्य विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना कुछ देर तक किलिंगरे के छिपे हुए प्रभाव के साथ खेलने के बाद अथर्व अब पीछे नहीं हट सका उसने सैक्रेट सोर्ड के एट्रीब्यूट पैनल को टैप किया वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि किलिंग रे में कितना सुधार हुआ है